Bismillahirrahmanirrahim. The roadmap for conversion towards Islamic financial system in the Islamic Republic of Pakistan, enabling mindset and strategies. हमारे आज के इस वेबिनार का उन्वान, इस गुफ्तगु का उन्वान मैंने आपके सामने रखा है. हम एक बायलिंगुअल अप्रोच के साथ इस गुफ्तगु को जारी रखेंगे. इसका बैकग्राउंड यह है, वफाकी शरई अदालत ने पाकिस्तान में सूद के खात्मे के हवाले से एक और तारीखी फैसला दिया और ये इस सिलसिले का तीसरा फैसला था 1993, 1999 और अब 2023. और ये तीनों फैसले अपने अंदर खुद एक इल्मी मकाले की हैसियत रखते हैं. और जो आखिरी फैसला आया है उसकी खास बात यह है कि उसमें हुकूमत वक्त से ये मुतालबा या उनको हिदायत की गई है कि 5 साल का रोड मैप एक दिया जाए और उसमें जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम से सूद को खत्म किया जाए. लेकिन पिछले फैसलों की तरह इस बार भी रुकावटें नज़र आ रही हैं. बहुत सारे बैंक्स अपील में गए, कुछ इतराज़ात इसके बारे में पब्लिक डोमेन में भी हुए, लेकिन जो 99 की या 93 की सूरत हाल थी, पाकिस्तान में इस्लामिक फाइनेंशियल इंडस्ट्री उससे बहुत आगे निकल चुकी है. और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम इंडस्ट्री ने इस दौरान सर अंजाम दिया है, इसके नतीजे में वो जो मफरूजे थे, जो हाइपोथेसिस थे, वो अपना दम तोड़ते हुए नजर आते हैं. और बहुत सारी जिद्दत इस बारे में आप और हम लोग जो बैंकों के सारफीन हैं या एक आम शहरी की हैसियत से हम ख्वाहिशें तो रखते हैं, लेकिन मजबूरन सूदी निज़ाम के दायरे से निकलने से कासिर हैं, उनको जो उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, उस हवाले से हम आज एक बहुत ही अहम शख्सियत से गुफ्तगू कर रहे हैं, जनाब अहमद अली सिद्दीकी साहब. उनका तारुफ मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ ताकि हमारे जो देखने वाले हैं प्रोग्राम को और जो खासतौर पर इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के रिसर्च स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपकी शख्सियत का एक अकेडमिक तारुफ भी हो जाए. इंडस्ट्री में तो आप माशाल्लाह बहुत मारूफ हैं. अहमद अली सिद्दीकी होल्ड्स अ बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन IBA कराची. His areas of specialization include Islamic finance and MIS. He has over 20 years of rich Islamic banking experience and is being involved in pioneering work in the field of Islamic finance in Pakistan. His major areas of interest are Sharia compliant product development, sovereign sukuk and deal structuring, development of innovation solutions for retail, corporate and consumer banking, formulation of policy guidelines, Islamic banking training, Sharia audit, applicative research and Islamic financial advisory services. He is currently a part of IBA's director, Center for Excellence in Islamic Finance. He also holds the post of Senior Executive Vice President and Head Product Development and Sharia Compliance at Mizan Bank. He is also the Secretary for Sharia Supervisory Board at Mizan Bank Limited. उसके अलावा अहमद अली सिद्दीकी साहब बेशतर इंस्टीट्यूट्स में, इंक्लूडिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, लम्स, सेंटर ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स कराची और इंडस्ट्री और एकेडमिया के मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में आपको अक्सर लेक्चर देते हुए नज़र आएंगे. और इंटरनेशनली भी आपने कई वर्कशॉप्स मुनक्कद की हैं, स्पेशली इन UAE, बहरीन, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, UK. 2016 में अहमद अली सिद्दीकी साहब को लिस्ट किया गया एज 500 टॉप मोस्ट प्रोमिनेंट एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज हु हैव कंट्रीब्यूटेड एंड पायनियर्ड द इस्लामिक इकोनॉमी एंड द हलाल इंडस्ट्री इन द रीसेंट ईयर्स. अहमद भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. और आज हम बहुत शुक्रिया नौफिल साहब, आपने मुझे इनवाइट किया. नवाजिश. आज जो हम आपकी गुफ्तगू सुनना चाहेंगे और इस बारे में आप पहले की प्रेजेंटेशन हमें दे चुके हैं, लेकिन आज ये सोलो
और एक्सक्लूसिव सेशन सर इसलिए रखा गया है कि किसी और स्पीकर, किसी और एक्सपर्ट की अदम मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सिर्फ आपको सुना जाए, और जो इसका रोड मैप आपकी नजर में है, और दारे मेरे में ये बात आई कि जो आपकी प्रेजेंटेशन है, आपका काम है, उसको खुद मौलाना तकी उस्मानी साहब ने अप्रिशिएट भी किया है, और उनकी हिदायत पे ये आपने प्रेजेंटेशन तैयार की है, तो ये आप हमें जो है वो आज इससे इस्तफादा हासिल करने का मौका दीजिए, ताकि हम तफसील से आपको सुन चुके हैं और इसको फिर हम ट्रांसक्राइब करके किसी पब्लिकेशन की शक्ल में भी इंशाल्लाह पब्लिश करेंगे। ओवर टू यू सर। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपका, आपने ये इस अहम टॉपिक पे, इस अहम मौजू पे आज हमें बात करने के लिए मुझे दावत दी, और मैं कोशिश करूँगा कि जो थोड़ा बहुत हमने काम किया इस हवाले से इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम या इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ जो कन्वर्जन हमने किया है, उसका जो रोड मैप बनाया है, उसका एक खाका मैं आपके सामने पेश करूँ। और ये इसी सिलसिले की काविश है कि किस तरह से हम अपने मुल्क से इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम का खात्मा कर सकते हैं, और कैसे बैंकिंग के निज़ाम से हमारे जो हुकूमती कर्जे हैं उसके हवाले से, या जो पूरा ये फाइनेंशियल सेक्टर है, इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैं इस हवाले से अपनी प्रेजेंटेशन भी यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ, तो अगर आप काइंडली मुझे ये इसकी इजाज़त दे दें तो मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन डिस्प्ले कर दूँ। जी बिल्कुल। तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये इस हवाले से बनाई गई है कि हम अगर इस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को रिलेटेड सेक्टर है, जैसे तकाफुल है या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब में हम किस तरह से एक आगे बढ़ सकते हैं। तो इस इन चीज़ों के ऊपर ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं, कुछ तजावीज हैं जो कि मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा इंशाल्लाह। सबसे पहले अगर हम इस प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में मैंने ये डिस्कस किया है कि इस वक्त अगर हम अपना इस वक्त मौजूदा निज़ाम का जायज़ा लें, मौजूदा जो हमारी काविशें उसका जायज़ा लें, और ये जो हम बात कर रहे हैं कि हमें कन्वर्जन करना है तो ये क्यों करना है, तो इसकी अगर बुनियादी बात ये है कि कन्वर्जन करना बहैसियत मुसलमान, ये तो हमारी एक जिम्मेदारी है, एक हमारा ऊपर एक फ़र्ज़ है कि हम अपनी ज़िंदगी में से सूद का खात्मा करें। और साथ साथ जब पाकिस्तान का क़याम हुआ, पाकिस्तान उसी मकसद से बना था कि यहाँ पर इस्लाम का जो निज़ाम है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा और मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारने का एक रास्ता दिया जाएगा। इसी तरह जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई उसमें भी यही बात हुई, फिर पाकिस्तान का जब कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का जो मंजूर हुआ उसमें भी ये बात थी कि तमाम मुसलमानों को मुस्लिम शैल बी इनेबल टू ऑर्डर देयर लाइफ इन देयर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव स्पेयर इन अकॉर्डेंस विद द टीचिंग ऑफ इस्लाम एज सेट आउट बाय कुरान एंड सुन्ना। फिर कुरान ही ये कहता है मुसलमानों से, ओ यू बिलीव फेयर अल्लाह एंड गिव अप योर डिमांड ऑफ इंटरेस्ट, तुम ईमान वाले हो तो अपने सूद के दावों को छोड़ दो, और ये एक ईमान का टेस्ट बताया गया है। जितना जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसका 38F सेक्शन जो है वो डिमांड करता है कि द स्टेट शैल एलिमिनेट रिबा एज सून एज पॉसिबल, और साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 227 वो भी यही कहता है कि जो लॉज हैं इस कंट्री के वो कुरान और सुन्नत के दायरे में लाए जाएंगे, और कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया जाएगा, कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो कुरान और सुन्नत से कॉन्फ्लिक्ट करता हो। और हम जब अपने बैंकारी के निज़ाम को देखते हैं, उसके कवानीन को देखते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर के लॉज को देखते हैं, रेगुलेशंस को देखते हैं, तो ये एक अलमिया है या एक अफसोस होता है कि हमारा बहुत सारा कवानीन और बहुत सारे रेगुलेशंस जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं इस बेसिक इंजंक्शन ऑफ कुरान से, जिसमें रिबा की एलिमिनेशन का हमें हुक्म दिया गया है। इसी तरह जब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया तो उन्होंने बड़ा क्लियर रोड मैप दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि द अडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस विल नॉट हेल्प अस इन अचीविंग अवर गोल टू क्रिएट अ हैप्पी एंड यानी एक ऐसा सिस्टम जो लोगों के फायदेमंद हो, वो वेस्टर्न फिलॉसफी पे नहीं होगा, वेस्टर्न इकोनॉमिक थ्योरी पे नहीं होगा, बल्कि हमें उसके लिए इस्लाम का जो इकोनॉमिक फलसफा है उसको लेके आना पड़ेगा। तो ये मैसेज
यानी स्टेट बैंक की इनॉग्रेशन के टाइम पे कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह का भी था, पाकिस्तान के बनाने का जो ऑब्जेक्टिव था उसके अंदर भी है, हमारा आईन भी ये डिमांड करता है और उससे बढ़कर कुरान और सुन्नत का भी यही हुक्म है। तो ये जो कन्वर्जन है ये एक नेचुरल हमारा रोड मैप है, ये एक नेचुरल हमारी ये डिज़ायर है कि हम अपने बैंकिंग के या फाइनेंस के सिस्टम को कन्वर्ट करें। अच्छा, इसी के साथ साथ जैसे भी आपने बताया कि हमारे यानी सूद के मामले में को हमारी कोर्ट्स में कई सालों से डिस्कस किया गया, पहले फेडरल शरीयत कोर्ट ने जजमेंट दिया, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर जजमेंट दिया, फिर उसको दोबारा चैलेंज किया गया, और ये जजमेंट फिर हमारे पास वापस फेडरल शरीयत कोर्ट चला गया, और अभी 2022 में रमजान मुबारक में 28 अप्रैल को फेडरल शरीयत कोर्ट ने फिर ये तारीखी जजमेंट दिया, और उन्होंने फिर वही बात रिपीट की जो हकीकत में हम सब पहले से जानते हैं, लेकिन उसको एक मोहर उस पर सब कर दी कि जितना भी कन्वेंशनल या इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग सिस्टम इस पर पाकिस्तान में राइज है, ये पाकिस्तान के आईन और कानून के भी खिलाफ है और कुरान और सुन्नत के भी खिलाफ है, और वो जो सूद की प्रोहिबिशन है कुरान और सुन्नत में वो ये वही सूद है जो आज हमारे बैंकिंग के निज़ाम में इंटरेस्ट के नाम से राइज किया गया है। साथ साथ ये भी फेडरल शरीयत कोर्ट ने कहा कि आप अगले 5 साल में इस सिस्टम को कन्वर्ट करें, यानी रिबा को एलिमिनेट करें हर जगह से अगले 5 साल के अंदर। तो ये एक अच्छी खुशाइन बात ये थी कि एक कम से कम एक रोड मैप दिया गया। फिर उसके बाद इसमें एक और अच्छी बात, शुरू में तो अनफॉर्चुनेटली इसको चैलेंज किया गया कई हलकों की तरफ से, लेकिन इसमें अच्छी बात ये हुई कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और नेशनल बैंक ने फेडरल गवर्नमेंट की डायरेक्शन के ऊपर अपने जो अपील थी रिबा के जजमेंट के खिलाफ वो वापस ले ली, और अब इसके ऊपर एक होप नज़र आती है, एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है कि अगर हम इसको इस डेडलाइन को फॉलो करते हैं, इस काम को आगे बढ़ाते हैं, तो हम इंशाल्लाह अगर 5 साल में 100% कन्वर्ट ना भी हो सके तो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हम मेहनत से और इसको कहते हैं ना बहुत ही मॉनिटरिंग करके काम करें तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो 5 साल से पहले भी कन्वर्ट हो सकते। अच्छा, इसमें जो पाकिस्तान में जो हम इस्लामाइजेशन या इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम की नफाज की बात करते हैं, तो इसको मैंने अपने हिसाब से 3 फेसेस में इसको यानी तोड़ा है। पहला फेज जो था जिसको मैंने फाउंडेशन फेज कहा, ये पाकिस्तान के क़याम से लेकर तकरीबन हम 2000 तक जो एफर्ट्स हुई उसको कह सकते हैं। इसके अंदर जो इनिशियल फ्रेमवर्क था वो तय किया गया कि क्या खदो खाल होंगे, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की, इसके बाद बहुत सारी इनेबलिंग रेगुलेशन एंड लीगल प्रोविजंस जो हैं वो बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस में डाली गई, फिर एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि PLS का निज़ाम लाया जाए, मार्कअप का निज़ाम लाया जाए, और उसके अंदर फिर ऑब्वियसली हमें कोर्ट्स ने गाइड किया कि अगर आप खाली नाम चेंज करेंगे और रियलिटी में अपने तरीक़ेकार को चेंज नहीं करेंगे तो वो काम ऐसा ही नहीं है, लेकिन बहरहाल एक फाउंडेशन लेवल का काम 2000 तक हमें नज़र आता है। उसका जो सेकेंड फेज है हमारे पास वो ये है कि एवोल्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल मॉडल एंड फ्रेमवर्क। 2000 के बाद पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई थी कि कोई प्रैक्टिकल मॉडल होना चाहिए, जैसे कि इस्लामिक बैंक काम कैसे करता है और इस्लामिक फाइनेंशियल निज़ाम कैसे चलेगा, उसकी क्या प्रोडक्ट्स होंगी, उसके अंदर क्या वर्केबल सॉल्यूशंस होंगे, और 2000 से 2022 तक का ये जो दौर है इसमें हमने ये देखा कि पाकिस्तान में 2002 में पहला इस्लामिक बैंकिंग का लाइसेंस दिया गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और 2003 में स्टेट बैंक का अपना डिपार्टमेंट कायम हुआ इस्लामिक बैंकिंग का, और बहुत सारा काम हुआ रेगुलेशंस में, लाइसेंसिंग के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, शरिया कंप्लायंस के ऊपर, शरिया गवर्नेंस के ऊपर, और शरिया गवर्नेंस के मॉडल्स आए, इस्लामिक बैंकिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको अडॉप्ट किया गया, और इसी तरह कैपिटल मार्केट्स में काम हुआ, इंश्योरेंस सेक्टर पे काम हुआ, तकाफुल का अल्टरनेटिव आया, म्यूचुअल फंड्स की हमें ग्रोथ नज़र आई, टैक्सेशन पे काम हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट हमें नज़र आता है इस दौर के अंदर, इस 22 साल के अंदर, और एक वर्केबल मॉडल भी सामने आ गया, और बहुत सारे जो खदशात थे कि इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम चल सकता है या नहीं चल सकता, क्या ये कामयाब होगा या नहीं होगा, उन खदशात का जवाब भी हमें मिल गया, और हमारे पास सक्सेस स्टोरीज बहुत सारी नज़र आ गई। उसमें मीज़ान बैंक एक सक्सेस स्टोरी है, और बहुत सारे इदारे हैं जो सक्सेस स्टोरी के तौर पे हमें समझ में आते हैं, म्यूचुअल फंड में सक्सेस स्टोरीज नज़र आई, सुकूक मार्केट में सक्सेस स्टोरी नज़र आई, इस्लामिक इंडेक्सेस लॉन्च किए गए वो भी सक्सेस स्टोरी थी,
तो इन 22 सालों में हमारे पास रेगुलेटरी इन्वायरमेंट बहुत हद तक आ गया, हमारे पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत काम हुआ, हमारे पास प्रैक्टिकली इस्लामिक मालियाती इदारे वजूद में आ गए। और सॉरी, जो अगर हम 6 साल 2022 तक की बात करें तो 6 यानी 5 से 6 फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक्स और 17 कन्वेंशनल बैंकों की इस्लामिक विंडो जो अपना काम कर रही हैं। और ये सारा अगर हम इसको सामने रखें तो ये एक सक्सेस स्टोरी और एक प्रैक्टिकल होना इस्लामिक बैंकिंग का, ये उसका सबूत है। और इस दौरान दुनिया में भी बड़ा काम हुआ है, दुनिया में 120 ममालिक में इस्लामिक बैंकिंग की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हमें नजर आई, और वहाँ पे फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक्स भी बने, इस्लामिक कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी आए, म्यूचुअल फंड भी आए, तकाफुल है। तो ये एक ग्लोबल फिनोमेना और ग्लोबल एक्सेप्टेंस के तौर पे हमें ये इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम का मॉडल नजर आया। अब तीसरा फेज है जिसमें हम अभी अब हम एंटर हुए हैं कि 2002 के बाद अब हमारा थर्ड फेज है जो पोस्ट फेडरल शरीयत कोर्ट रूलिंग के हवाले से है कि अब आगे कैसे होगा, आगे कन्वर्जन कैसे होगा, हम कैसे इकोनॉमी के डिफरेंट सेगमेंट्स को हम इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे यकीनन एक ये मुश्किल फेज इसलिए भी है कि अभी तक हमारा सिर्फ 20% के करीब जो बैंकिंग का सिस्टम है वो इस्लामिक में कन्वर्ट हुआ है। हमारे हुकूमती जो कर्ज हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा भी इस्लामिक या शरिया कंप्लाइंट में सिस्टम में कन्वर्ट हुआ, लेकिन उम्मीद इससे ये निकल आई कि हर चीज का तकरीबन हमारे पास एक मॉडल है और हर चीज का कुछ छोटी मोटी चीजों के अलावा एक मेजर हमारे पास रोड मैप और सॉल्यूशन आज एग्जिस्ट करता है। अब उसको स्केल अप करने की जरूरत है, कुछ जो बॉटलनेक्स हैं उनको रिमूव करने की जरूरत है, और साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है या जो नई इनोवेशन है उसको भी सामने रखते हुए हमने इस निज़ाम को अब आगे बढ़ाना है। और अब ये जरूरत है कि जो सारे स्टेक होल्डर हैं वो एक साथ बैठें, उसमें अगर स्टेट बैंक है, SECP है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसकी रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं, बैंकिंग सेक्टर है, एकेडमिया है, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर के जो लोग हैं वो सारे साथ मिलके अब इस थर्ड फेज को सक्सेसफुल करें। अच्छा, इसी हवाले से जो मैंने आपको बताया कि फेज वन के अंदर एफर्ट्स बहुत सारी हुई, मैं चंद एफर्ट्स यहाँ पे आपके सामने ला रहा हूँ। 1948 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद इस्लामिक नजरियाती काउंसिल का क्याम, फिर उसके अंदर ये बात आई कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एलिमिनेशन ऑफ रिबा को डाला गया, फिर एक ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम टू रिबा फ्री सिस्टम की एक रोड मैप 1979 में भी कोशिश की गई। 1980 में काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने एक अपना एक रिपोर्ट प्रेजेंट की कि किस तरीके से इस्लामिक बैंकिंग को हम ला सकते हैं पाकिस्तान में, मुदारबा का निज़ाम, ज़कात का निज़ाम, उशर का निज़ाम, मार्कअप सिस्टम लाने की कोशिश की गई। फिर फेडरल शरीयत कोर्ट ने कहा कि ये आपका प्रोसीजर सही नहीं है, शरीयत कंप्लाइंट नहीं है, आपने एक्चुअल चेंज करना होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट की बात आई, जैसे कि वहाँ उन्होंने अपील रिजेक्ट की और दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। फिर 2000 में एक ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन कायम हुआ, टास्क फोर्स कायम हुई और मुख्तलिफ लीगल फ्रेमवर्क्स पे काम किया गया। फिर जो सेकेंड फेज, जैसे मैंने अभी बताया कि 2001 से लेके 20 या 22 तक का फेज है, इसमें स्टेट बैंक ने लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क डेवलप किया, पहला इस्लामिक बैंक बना, फिर 5-6 इस्लामिक बैंक फुल फ्लेज बन गए, स्टेट बैंक का इस्लामिक डिपार्टमेंट, स्टेट बैंक का शरिया बोर्ड, स्टेट बैंक की तरफ से इस वक्त हम ये कह सकते हैं जितनी भी रीफाइनेंसिंग स्कीम्स हैं जो इंटरेस्ट बेस्ड थी उसका इस्लामिक वर्जन मौजूद है, इस्लामिक अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड ICAAP की तरफ से इशू होना शुरू हो गए, स्टेट बैंक ने शरिया गवर्नेंस का, शरिया ऑडिट का, पूल मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क दिया, 2008 से पाकिस्तान ने लोकल सुकूक यानी डोमेस्टिक सुकूक प्रोग्राम भी लॉन्च किया, IOF के स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए, इस्लामिक बैंकिंग के लिए 5 साल मनसूबा यानी स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना शुरू किया गया। फिर 2014 में एक और कमेटी बनाई गई मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की सरबराही में और उनके मशवरे से कि आप कैसे पूरे सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क में बेहतरी आई, स्टेट में SECP ने फिर अपना हिस्सा अदा किया और वहाँ पे उनका शरिया इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट, इस्लामिक फाइनेंस डिपार्टमेंट बना, मुख्तलिफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए इस्लामिक बैंकिंग के लिए। फिर PSX ने अपना गेन किरदार अदा किया, वहाँ पे आपके पास आप देखिए इस्लामिक जो इंडेक्सेस हैं वो लॉन्च हुए, ऑल शेयर इंडेक्स लॉन्च हुआ इस्लामिक कंपनीज का, और एक तरह से एक पूरी सिलसिला है जो ये सक्सेस स्टोरीज हैं और मुख्तलिफ जो हर्डल्स आते गए उनके सॉल्यूशंस हम डेवलप करते गए। और स्टेट बैंक के अंदर इस्लामिक डिस्काउंट विंडो भी आ गई, इस्लामिक ओपन मार्केट ऑपरेशन का एक हिस्सा आ गया,
सुकूक प्रोग्राम आ गया, सुकूक प्रोग्राम के टेन्योर्स में इजाफा हुआ, तो हमारे पास एक कह सकते हैं कि फाउंडेशन हमारी सेकेंड फेज में ले हो गई। ये एक स्लाइड है जो इस हवाले से इसको मैंने बनाया कि इस वक्त अगर हम अपने मुल्क की टोटल पिक्चर को सामने रखें तो एक हमें एक स्नैपशॉट पे पाकिस्तान की करंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी के बारे में मिल जाता है। अब इसमें अगर आप देखें तो गवर्नमेंट की जो टोटल बोरिंग है डोमेस्टिक, उसका अब तकरीबन 7.9 यानी 8% हिस्सा जो है वो सुकूक या इस्लामिक तरीके से मौजूद है। इसका मतलब है ये जो नंबर है ये 2018 में तकरीबन जीरो तक पहुंच गया था, तकरीबन क्लोज टू जीरो था। आज हम ये कह सकते हैं कि 3 trillion से ज्यादा के सुकूक इस वक्त आउटस्टैंडिंग है जो हुकूमत पाकिस्तान ने अपना जो कर्जा है या जो अपनी बोरिंग है उसका एक कंपोनेंट इस्लामिक में कन्वर्ट किया। इसी तरह पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं जो इसको हम PSEs कहते हैं, उनका जो इस्लामिक फाइनेंस का शेयर है तकरीबन 14% है। फिर IMF से या इंटरनेशनल जो हमारी एजेंसियों से जो पाकिस्तान ने कर्जा लिया हुआ है उसका भी मेरे पास लेटेस्ट नंबर तो नहीं है, लेकिन उसमें भी अब तक पाकिस्तान ने सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में 4.6 billion dollars के सुकूक इशू किए हैं। और इसके अलावा एक कंपोनेंट पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल डेट का है वो भी शरिया कंप्लाइंट है। तो यानी वहां पे भी इंटरनेशनली भी शरिया कंप्लाइंट तरीके मौजूद हैं और लोकली भी हमारे पास मौजूद हैं। और उसमें एक जो नंबर मेरे पास ओवरऑल आया टोटल एक्सटर्नल डेट के इस्लामिक होने का वो तकरीबन 6.7% है। फिर जो गवर्नमेंट अपनी बोरिंग करती है कमोडिटी ऑपरेशंस के लिए, इसका तकरीबन 40% और कुछ केसेस में 50% भी कुछ कंपनीज के अंदर इस्लामिक हुआ है। तो ये भी एक है कि गवर्नमेंट की एंटिटीज भी शरिया कंप्लाइंट तरीके से, आप उनको इस बात के का अंदाजा हो चुका है कि शरिया कंप्लाइंट तरीके से कैसे अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। बैंकिंग एसेट्स में इस वक्त हम अगर देखें तो तकरीबन 20.3% जो है वो ओवरऑल बैंकिंग एसेट्स शरिया कंप्लाइंट है। डिपॉजिट का नंबर अगर आप देखें तो तकरीबन 22% ये आ गया, तकरीबन 5 trillion से ज्यादा के डिपॉजिट इस्लामिक बैंकों के पास हैं। अगर इसी तरह एसेट का नंबर अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 25-26% जो है वो फाइनेंसिंग शरिया कंप्लाइंट हो चुकी है। हाउसिंग फाइनेंस में ये एक नंबर आता है कि इस्लामिक बैंकिंग का जो शेयर है, यहाँ थोड़ा सा ये मैं करेक्शन करूंगा कि इस्लामिक बैंकिंग का जो शेयर है वो तकरीबन 50-60% है हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। फिर माइक्रो फाइनेंस में अभी हम थोड़ा पीछे हैं, 8% तकरीबन है। तकाफुल में अभी हम पीछे हैं, नॉन बैंकिंग सेक्टर में तकरीबन 40% और म्यूचुअल फंड में तकरीबन 43%। सो अगर हम देखें तो ये एक इनकरेजिंग सूरत हाल है कि हर जगह कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हुई है और कुछ जगह ऑब्वियसली ज्यादा तेज हुई है, कुछ जगहों पे पीछे हैं, लेकिन हर जगह इस्लामिक फाइनेंस का या इस्लामिक बैंकिंग का या इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का आपको एक फुटप्रिंट नजर आ रहा है। अब इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो इंडस्ट्री की भी डिमांड थी और हुकूमत की भी बड़ी जरूरत थी कि पाकिस्तान में शरिया कंप्लाइंट गवर्नमेंट बोरिंग या पब्लिक जो डेट है उसके शरिया कंप्लाइंट उसके तरीकेकार भी सामने आए। तो 2008 में हुकूमत पाकिस्तान ने अपना पहला सुकूक प्रोग्राम शुरू किया और पहला सुकूक इशू किया, इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इजारा सुकूक कहते हैं। और 2008 से लेकर 23 अगस्त यानी इस महीने के हम अगस्त में बैठे हैं, इस वक्त तक हुकूमत तकरीबन 90 सॉवरेन सुकूक इशू कर चुकी है और इसका जो टोटल हजम है वो 5 trillion रुपीज के ज्यादा है। और पिछले सिर्फ 4 सालों के अंदर अगर मैं देखूं तो ओवर 3 trillion रुपीज ऑफ सुकूक इशू हुए हैं, 3 trillion से ज्यादा यानी 3,000 अरब रुपए से ज्यादा के सुकूक हमें इशू होते हुए नजर आए हैं। और इसके अंदर एक फायदा ये भी हुआ कि हुकूमत पाकिस्तान की जो कॉस्ट है वो भी एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल टी बिल्स और PIBs वो कम है। तो एक आपको एक मॉनिटरी फायदा भी हुआ और दूसरा आपको ये भी फायदा हुआ कि आपके शरिया कंप्लाइंट कन्वर्जन के लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट मिल गया। और तीसरा फायदा ये हुआ कि जो इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक फाइनेंशियल सेक्टर और इस्लामिक कैपिटल मार्केट को जो डेवलप करने की हमारी डिजायर थी वो भी इससे पूरी हुई। और बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे या वो बैंकिंग सेक्टर से बाहर बैठे हुए थे इंटरेस्ट की वजह से, तो उन्होंने भी जब ये सेक्टर ग्रो हुआ, इसके अंदर टूल्स आए, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आए, तो इस्लामिक बैंकों के ऑपरेशन भी स्केल अप हुए और हुकूमत को भी फायदा हुआ, आवाम को भी फायदा हुआ और पूरे सेक्टर ये फायदा हुआ। अब जरूरत इस बात की है कि हम इस चीज को
रेगुलर इशू करें। इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान ने बैब मौजल का एक मैकेनिज्म डेवलप किया जिसके थ्रू वो जब सुकूब को मेच्योर हो रहा होता है तो हुकूमत पाकिस्तान उसको क्रेडिट पे परचेज करके अपनी फाइनेंसिंग को रेस कर लेती है। और इस तरह से अगर इस्लामिक बैंक या इन्वेस्टर अगर अपना सुकूब फौरन नकद पे बेचना ना भी चाहे तो उधार पे बेच सकता है। तो ये तरीकेकार आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुए और अभी जैसे कि अभी आगे हम काम देख रहे हैं तो और भी बहुत सारे नए नए इनोवेटिव स्ट्रक्चर्स पे काम हो रहा है। ये एक चार्ट है जो पिछले 5 साल से का आपको एक रन रेट बता सकता है कि 2018 में मैंने जैसे बताया कि तकरीबन हम जीरो पे पहुंच गए थे और फिर 2019 से फिर ये इब्तदा हुई और 19, 20, 21, 22 में आप देखें 1.3 ट्रिलियन के सुकूक इशू हुए, बल्कि उससे भी ज्यादा के सुकूक इशू हुए। और अगस्त 2023 में अभी तक हम पिछले 7-8 महीनों में 1 ट्रिलियन के फिगर को क्रॉस कर चुके हैं। सो दिस ऑल एड्स अप टू द पॉजिटिव न्यूज कि हम अगर करना चाहें तो हमारे पास सॉल्यूशंस मौजूद हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने की और उसको स्केल अप करने की और उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की जरूरत है। स्टेट बैंक हमारा सबसे बड़ा रेगुलेटर है बैंकिंग सेक्टर का। इस पे आप देखें तो इस पे भी बहुत काम हुआ है। स्टेट बैंक ने 2003 से लेकर 2022 के दौरान एक रोबस्ट फ्रेमवर्क दिया है और स्टेट बैंक का इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट और स्टेट बैंक में बहुत सारे हजरात इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से बड़े पॉजिटिव भी रहे और स्टेट बैंक का जो खास तौर पर इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट है उसने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया और उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग की जो लाइसेंसिंग की रेगुलेशन है जिसमें आप इस्लामिक कमर्शियल बैंक बना सकते हैं, सब्सिडी ऑफ अ कन्वेंशनल बैंक बना सकते हैं, आप स्टैंड अलोन ब्रांचेस बना सकते हैं इस्लामिक बैंकिंग की कन्वेंशनल ब्रांचों के बैंकों के अंदर और उसके लिए उसके अंदर उसके जो फिल्टर्स हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं, इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस बैंक बना सकते हैं, फिर आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने कन्वेंशनल बैंक को इस्लामिक बैंक के अंदर, आप अपनी कन्वेंशनल यानी इंटरेस्ट बेस्ड ब्रांच को इस्लामिक बैंकिंग ब्रांच में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे बैंकों ने इन रेगुलेशन का फायदा उठाते हुए अपने आप को या तो पूरा ही कन्वर्ट कर लिया, ऐसे फैसल बैंक की मिसाल आती है, या फिर उन्होंने अपनी ब्रांचों को कन्वर्ट किया शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग ब्रांचेस के अंदर। इसके बाद स्टेट बैंक का अपना शरिया एडवाइजरी कमेटी है, कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशंस हैं शरिया गवर्नेंस के हवाले से, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की गाइडलाइंस हैं, रिस्क मैनेजमेंट की गाइडलाइंस हैं, प्रूडेंशियल रेगुलेशंस चेंज किए गए हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैसे IOFI के हैं जो हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में इसको माना जाता है, पाकिस्तान ने तकरीबन अब तक 20 शरिया स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया है और इस तरह तकरीबन मेजर जो बैंकिंग की प्रोडक्ट्स हैं इस्लामिक बैंकिंग की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी इस स्टैंडर्ड से कवर हो जाती हैं और ये एज अ रेगुलेशन अडॉप्ट किए गए। तो यानी अब चॉइस नहीं है बल्कि पाकिस्तान उन अहम मुल्कों में आ गया, उन चंद मुल्कों में आ गया जिसने अपने रेगुलेशन के अंदर IOFI को एम्बेड किया है। इसी तरह स्टेट बैंक का अपना एक शरिया स्टैंडर्ड इशू हुआ डिमिनिशिंग मुशारका पे, फिर मुख्तलिफ इस्लामिक बैंकिंग के मोड्स पे गाइडलाइन इशू की गई, एग्रीमेंट्स इशू किए गए, शरिया कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए ऑडिट इंस्पेक्शन ये दोनों मैकेनिज्म हमारे पास हैं। स्टेट बैंक का शरिया ऑडिट भी होता है, एक्सटर्नल शरिया ऑडिट या शरिया इंस्पेक्शन भी की जाती है, फिर जो कन्वेंशनल रीफाइनेंस स्कीम्स हैं उनके सारे इस्लामिक मोड्स हमारे पास नजर आते हैं। शरिया कंप्लायंट ओपन मार्केट ऑपरेशन 2014 में शुरू हुआ, फिर 2022 में इस्लामिक बैंकिंग का जो डिस्काउंट विंडो जो बहुत अरसे से इस्लामिक बैंकों की एक ख्वाहिश थी कि 2021 दिसंबर में एक्चुअली लॉन्च हुआ था और अब तकरीबन 1.5 साल 1.5 साल हो गया है, और इसके साथ साथ ओपन मार्केट ऑपरेशन टू इंजेक्ट फंड ऑन मुदारबा बेसिस ये भी इस्लामिक ओपन मार्केट ऑपरेशन हमारे पास हमें नजर आ रहा है। SECP का इसी तरह अगर मैं जिक्र करूं तो SECP ने भी पिछले 15 सालों में इंस्पेक्टर को बहुत सपोर्ट किया, वहाँ उनका सेपरेट डिपार्टमेंट 2015 में बना लेकिन काम वहाँ पे पहले से ही शुरू हो चुका था तकाफुल के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से। फिर स्टेट SECP का भी शरिया बोर्ड सेटअप हुआ, फिर SECP ने अपनी अमेंडमेंट्स की 2016 के एक्ट में और वहाँ से उन्होंने 2016 में अमेंडमेंट की ताकि जो उनका पुराना एक्ट था उसको उसमें अमेंड करके शरिया कंप्लाइंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की रेगुलेशन के पावर्स उन्होंने हासिल किए। शरिया एडवाइजरी रेगुलेशन आई 2017 में, शरिया गवर्नेंस रेगुलेशन 2018 में आई, IOFI के स्टैंडर्ड अडॉप्ट करना शुरू किया, IFSB इस्लामिक फाइनेंस सर्विसेज बोर्ड के स्टैंडर्ड अडॉप्ट किए। तो SECP ने भी अपना पैरेलल काम किया। कैपिटल मार्केट्स में अगर आप देखें तो 2008 में पहला इंडेक्स आया था इस्लामिक इंडेक्स, 2016 में ऑल शेयर इस्लामिक इंडेक्स आया PSX में, फिर 2017 में शरिया कंप्लाइंट कंपनीज का कॉन्सेप्ट किया गया कि टोटल शरिया कंप्लाइंट कंपनीज कौन सी होंगी, शरिया कंप्लाइंट सिक्योरिटीज कौन सी होंगी, उनके लिए डिस्क्लोजर्स क्या होंगे, फिर सुकूक जैसे हमने बताया कि एक तो गवर्नमेंट सेक्टर सुकूक है, इसी तरह पब्लिक सेक्टर सुकूक भी है जिसमें पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस हैं, अगर आप पब्लिक लिस्टेड सुकूक इशू करना चाहते हैं
या आप पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को इशू करना चाहती है, इसी तरह प्राइवेटली प्लेस रेगुलेशन है जो प्राइवेट को इशू करना चाहती है कंपनी, 2017 की रेगुलेशन है उसके तहत वो काम कर सकती है। तकाफुल पे बहुत काम हुआ, तकाफुल के रूल 2005 में पहली दफा आए, उसके बाद तकाफुल कंपनीज पाकिस्तान में आई 2012 में, उनको रिवाइज किया गया, उसकी अकाउंटिंग की रेगुलेशन आई, और आज आप देखें कि पाकिस्तान में अच्छी खासी फुल फ्लेज तकाफुल कंपनीज और बहुत सारी विंडो तकाफुल कंपनीज भी काम कर रही हैं। टैक्स रिजीम में भी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, टैक्स के अंदर टैक्सेशन अथॉरिटीज के साथ स्टेट बैंक ने, इंडस्ट्री ने और मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स की सपोर्ट्स के साथ हमने देखा कि मोराबा के ऊपर जो सेल्स टैक्स का डबल टैक्स इंसिडेंस होता है वो ख़त्म किया गया, इनकम टैक्स न्यूट्रलिटी दी गई इस्लामिक बैंकिंग को, इस्लामिक फाइनेंस मोड्स इख्तियार करने की वजह से अगर कोई एडिशनल टैक्स लगता था तो उसको न्यूट्रल किया गया 2007 में। फिर फाइनेंस एक्ट 2016 ने 2% रिबेट अलाउ किया शरिया कंप्लायंट लिस्टेड कंपनीज को, ये फिलहाल इस वक्त अभी हटा दिया गया। इसी तरह टैक्स न्यूट्रलिटी सुकूक को मिली 2017 में, अगेन इंसेंटिव दिया गया कि जनाब आप अगर सुकूक में इन्वेस्ट करेंगे तो टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इसी तरह 2017 में एक और SRO इशू किया गया जिसमें जो इस्लामिक बैंकिंग के मोड्स हैं उनको नाम लेके इस्तिस्ना, सलम, तिजारा इन और इसी तरह इन मोड्स को नाम लेके एग्जेम्प्ट किया गया कि आप पे भी कोई सेल्स टैक्स का इंसिडेंट नहीं होगा और वो एक तरह से उसको उसको टैक्स न्यूट्रलिटी का डोमेन दिया गया। ये जो सारी मैंने बात की ये सवाल से की कि अब तक क्या हुआ है, क्योंकि अगर हमें अपने ये पता हो कि हम अभी हमारी हमारे पास क्या है, हम कहाँ तक सफ़र कर चुके हैं और हमने क्या क्या बुनियादी काम कर लिए हैं, तो इसको अगर हम सामने रखेंगे तो हम आगे का रोड मैप बना सकते हैं, और रोड मैप जब कोई प्रेजेंट करेगा तो वो कनेक्ट होगा उस पिछली एफर्ट से जो हमने पीछे की है। अगर मैं आइसोलेशन में आपको एक रोड मैप बताता हूँ तो आप ये सवाल आ सकता है कि भाई इस पे अमल कैसे होगा, इसके तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, इसका कोई तरीक़ेकार नहीं है। लेकिन ये जो 20 साल में जो एफर्ट्स हुई हैं पाकिस्तान में, खासतौर पे जो इंडस्ट्री ने, स्टेट बैंक ने और रेगुलेटर्स ने और बहुत सारे शरिया स्कॉलर्स ने मिलके जो एक पूरी मुहिम चलाई, एक कमिटमेंट के साथ काम किया, ये इस बात का को हमें एनेबल करता है कि हम अब आगे का रोड मैप भी बना सकते हैं और उसकी स्ट्रेटजीज भी बना सकते हैं। तो मैं सेक्शन जो है हमारा, अगर नफिल साहब यहाँ पे अगर कोई आप ब्रेक लेना चाहें या कोई सवाल है तो आप बताएं या फिर हम आगे चलते हैं। जी मेरा ख्याल अभी मुनासिब है, आप एक ही गो में प्रेजेंटेशन दे दीजिए, उसके बाद कुछ सवाल होंगे तो आपके सामने रखेंगे। तो इसी सेक्शन यानी नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं कि कन्वर्जन क्या किया जाए। अच्छा, अब अगर हम पाकिस्तान की ओवरऑल, जैसे मैंने तो भी आपको बताया कि क्या हमारे करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या हैं, जिसमें आपने पब्लिक डेट की हालत भी देखी, फिर इसी तरह स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का भी एक हमने नंबर देखा, इसी तरह कमोडिटी ऑपरेशंस हैं, बैंकिंग ऑपरेशंस हैं और इस तरह से जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। अगर अब हम स्टार्ट करें और हम सबसे जो बड़ा चंक है जिसको कन्वर्ट होने से पाकिस्तान की जो बैंकिंग सेक्टर का एक मेजर हिस्सा खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा वो है पब्लिक सेक्टर डेट या पब्लिक डेट, नेशनल डेट जिसको हम कहते हैं। उसके अंदर कन्वर्जन ऑफ नेशनल सेविंग स्कीम्स आ जाता है जिसका तकरीबन 3 trillion से प्लस उसका साइज है। हमारा जो टी बिज और पी आई बीज का जो स्टॉक है ये 20,000 अरब यानी 20 trillion प्लस है, इसको कन्वर्ट करना है। प्राइस बॉन्ड्स हैं हमारे पास जो हमने इशू किए हुए मुख्तलिफ, ये भी तकरीबन 700-800 billion का नंबर आता है। फिर स्टेट ओन एंटिटीज जो हैं, जो SOEs कहलाती हैं, इनकी जो जो टोटल बोरिंग है वो भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है, वो भी फ्यू ट्रिलियन रुपीज के दरमियान आती है नंबर, इसको भी कन्वर्ट करना है। फिर गवर्नमेंट के कमोडिटी ऑपरेशन है। तो अगर हम इस पे एक मिनट की ब्रेक लें तो अगर हुकूमत पाकिस्तान इस बात को एज अ प्रायोरिटी डिक्लेयर करती है और हम इस्लामिक फर्स्ट का एक सिस्टम अडॉप्ट करते हैं तो फिर हम ये जो हमारा जो नेशनल डेट है और जो मेजर लैंडस्केप है हमारा, अगर हम इसको ही कन्वर्ट कर लें तो समझ लें हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो आज अगर 20% पे है तो वो 80% से भी ऊपर पहुंच सकता है। तो इसमें अगर प्राइवेट सेक्टर अभी थोड़ा सा पीछे भी रह जाए और हुकूमती सेक्टर अगर लीड ले रहे तो हम बहुत सारा काम इकोनॉमी की कन्वर्जन का कर सकते हैं। फिर दूसरा सवाल आता है एक्सटर्नल डेट जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, उस पर भी थोड़ा सा आगे बात करेंगे कि उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर बैंकिंग सेक्टर है जिसको हमने कन्वर्ट करना है, यानी जो पाकिस्तान में अगर कोई 30+ banks ऑपरेट कर रहे हैं या
क्लोज टू 30 बैंक्स हैं जिनको अब हमने कन्वर्ट करना है। इसमें अच्छी न्यूज क्या है, इसमें मैंने पहले बताया कि तकरीबन 6 बैंक तो पहले ही कन्वर्ट हो चुके हैं, 2-3 बैंकों ने अभी ऐलान कर दिया कन्वर्जन का, ZTBL का ऐलान हमें हमारे पास आया, समिट बैंक का ऐलान आया, तो अगर ये मिला लें तो 8 बैंक यही हो गए। फिर जो 17 या 16 कन्वेंशनल बैंक बचे उनकी इस्लामिक विंडोज मौजूद है, तो वहां से उनको एक्सपीरियंस हासिल हो चुका है। तो अगर ग्रेजुअली सब अपना अपना हिस्सा डालें तो ये बैंकिंग सेक्टर का कन्वर्जन भी डूबल भी है और नजर भी आता है। इधर नॉन बैंकिंग सेक्टर में हमारे पास इंश्योरेंस सेक्टर है, री इंश्योरेंस सेक्टर है, तकाफुल है, माइक्रो फाइनेंस है, और यहाँ पे यानी इंश्योरेंस एंड तकाफुल तो उसका ऑल्टरनेटिव हो गया, और यहाँ पे भी हमें एक एक रोड एक पॉजिटिविटी नजर आ रही है। फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का कन्वर्जन है और लॉ का कन्वर्जन है, जो कि एक अगेन एक मेजर हमारा टास्क होगा। अच्छा, अब इसमें स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। एक स्ट्रेटजी तो ये है कि जी हम क्योंकि इतना बड़ा टास्क है तो हमें इसको पीस मील में तोड़ना पड़ेगा, और जो चीज़ हम पहले कर सकते हैं, जो चीज़ यानी लो विंस हैं या लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, उसको पहले किया जाए। और उसमें सबसे पहले ये है कि एक पॉलिसी डिसीजन होना ज़रूरी है और उसको प्रोपोगेट करना ज़रूरी है कि हमने इस्लामिक फर्स्ट का माइंडसेट अडॉप्ट करना है। यानी अब ये तय कर लिया जाए हुकूमती सतह पर, बिजनेस की सतह पर, बैंकिंग की सतह पर, कि अब जो काम करना है इस्लामिक स्पेस में करने की कोशिश करनी है, और इस्लामिक फर्स्ट, जैसे मलेशिया ने हमने सुना था कि स्लोगन दिया था कि हर कस्टमर को पहले इस्लामिक ऑप्शन दिया जाए, जितना हुकूमती इदारे और सारी जो स्कीम्स हुकूमत की सतह पर लॉन्च होती हैं, स्टेट बैंक की सतह पर लॉन्च होती हैं, उसको इस्लामिक फर्स्ट के माइंडसेट से किया जाए। कस्टमर एंड पब्लिक शुड बी फैसिलिटेटेड, जो हमारी रीफाइनेंस स्कीम है, जो कि बहुत अगेन लो हैंगिंग फ्रूट है, या हुकूमत की तरफ से अचानक स्कीम्स आती हैं, कभी कामयाब नौजवान स्कीम, कभी नया पाकिस्तान स्कीम, कभी लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम, कभी इसी तरह यूथ फाइनेंस स्कीम, या जो भी कोई स्कीम हुकूमत की तरफ से सरपरस्ती में लॉन्च हो, यह फैसला किया जाए कि अब हमने सारी इस्लामिक स्पेस में लॉन्च करनी। जितनी भी रीफाइनेंस स्कीम्स हैं हमारी, एक्सपोर्ट रीफाइनेंस है या लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट रीफाइनेंस है, या एसएमई की कोई रीफाइनेंस स्कीम है, या एग्री की कोई ऐसी स्कीम है, इन सब को हम शरिया कंप्लाइंट, इनके वर्जन ऑलरेडी मौजूद हैं, अब हमने सिर्फ स्विच ओवर करना है। एक डेडलाइन हुकूमत दे सकती है कि अगले 6 महीने बाद ये सिर्फ स्कीम इस्लामिक स्पेस में अवेलेबल होंगी और सारी नई डिसबर्समेंट आपको शरिया कंप्लाइंट तरीके से मिलेगी। अभी इतराई के 5-6 नए डिजिटल बैंक आ रहे हैं, तो जब ये डिसीजन हो चुका है सुप्रीम फेडरल शरीयत कोर्ट का और हुकूमत का, तो अब ये जो नए बैंक्स हैं, ये पहले दिन से पहले हम इनको कन्वेंशनल बैंक बनाएं फिर इनको कन्वर्ट करें, तो होना ये चाहिए कि ये डे वन से पहली दफा ही सही काम करें और ये एज अ इस्लामिक बैंक, इस्लामिक डिजिटल बैंक इनको लॉन्च किया जाए। और इसमें कुछ इत्तलात आई भी है कि कुछ बैंकों ने ये फैसला किया है कि हम पाकिस्तान के आइन का और फेडरल शरीयत कोर्ट का और पाकिस्तान के अवाम के इन सेंटिमेंट्स का एहतराम करते हुए डे वन से इस्लामिक ही बैंक लाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में जरूरत इस बात की है कि स्टेट बैंक की तरफ से या हुकूमत की तरफ से ये एक रिटन डायरेक्टिव भी चला जाए। फिर नेशनल सेविंग को कन्वर्ट करना ये एक बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि 3,000 अरब 3 ट्रिलियन प्लस डिपॉजिट है नेशनल सेविंग का। इसमें अच्छी न्यूज ये आई है भाई हमारे पास पिछले समझ लें 6 महीने के दौरान, कि इनका इस्लामिक ऑल्टरनेटिव या नेशनल सेविंग की जो इस्लामिक स्कीम है वो लॉन्च हो गई है। अब इस स्कीम को आगे फैलाना है, इसको बढ़ाना है, और इसका जो जो नई यानी नए सर्टिफिकेट जो नेशनल सेविंग से इशू हो, उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो इस्लामिक साइट पे इशू हो और लोगों को इसकी अवेयरनेस दी जाए। क्योंकि जब आप लोगों को ऑप्शन देंगे कि भाई आपको सूद खाना है या आपको हलाल तरीके से भी नेशनल सेविंग का स्कीम में प्रॉफिट अवेलेबल है, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी तादाद को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस्लामिक में। फिर एक और चीज़ जो एक मुतालबा हुआ भी था, और आई थिंक एक भी कराची में फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक सेशन में मुतालबा किया गया था स्टेट बैंक से और फाइनेंस मिनिस्टर साहब से, कि आप अब कन्वेंशनल बैंकिंग का लाइसेंस पाकिस्तान में इशू ना किया जाए और कन्वेंशनल ब्रांचों की ओपनिंग का लाइसेंस भी इशू ना किया जाए। यानी अब जो भी नई बैंक की ब्रांच खुलेगी वो लाजमन उसको ये कहा जाए कि क्योंकि अब हमने मुल्क को कन्वर्ट करना है, तो आप एक गलत काम ना करें बल्कि एक सही स्पेस में एक इस्लामिक बैंकिंग ब्रांच खोलें। इसके अलावा कुछ और लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जैसे कि जो हुकूमत पाकिस्तान के जो वफाकी मुलाजमीन है या प्रोविंशियल मुलाजमीन है, इनकी तनख्वाहों को आप इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम के थ्रू डिसबर्स करें, इनका जो पेंशन फंड है, इनकी जो ग्रेचुटी है,
और इसी तरह जो स्टेट ओन एंटिटीज के जो डिपॉजिट्स हैं, ये सारे आप इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम या इस्लामिक बैंकिंग के जो ब्रांचेस हैं उसकी तरफ कन्वर्ट करें, तो क्या होगा, एक बहुत बड़ा चंक आपको कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। और ये शॉर्ट टर्म टारगेट, इसके लिए आपको कोई नई प्रोडक्ट नहीं लानी है, इसमें आपने सिर्फ एक बैठे यहाँ पे जो आप काम कर रहे हैं उसके ही उसी को काम को आपने आगे बढ़ाना है। अच्छा, अब हम अगर स्टेट ऑन एंटिटीज की कन्वर्जन की बात करें तो यहाँ पे, और हुकूमत के कन्वर्जन की बात करें तो यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी चीज है जिसको मैं क्या इंफेसाइज भी करूंगा कि एक तो ये पब्लिक डिसीजन होना चाहिए कि हमने कन्वर्जन का रोड मैप ले लिया, और इस डिसीजन को तमाम यानी कैबिनेट की तरफ से इसको अनाउंस किया जाए, जैसे कि पिछले दिनों पीएम साहब ने अनाउंस किया था। आई थिंक इसको ये पहला एक मतलब वो होना चाहिए, प्रायोरिटी एरिया होना चाहिए कि हमने मुल्क में से सूद का खात्मा करना है, जैसा कि कुरान कहता है, जैसा कि सुन्नत मुबारका कहती है, जैसा कि हमारा आईन कहता है, और जैसा कि हमारी कोर्ट्स कहती हैं, और जैसा कि हमारी पब्लिक की डिमांड भी है। तो फेडरल गवर्नमेंट नीड टू टेक अ पॉलिसी डिसीजन ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑल फाइनेंशियल सेक्टर एंटिटीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स विद अ प्रॉपर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। आपको ईयरली टारगेट देने पड़ेंगे, रोड मैप लाना पड़ेगा, और उसके लिए आपने इनेबलिंग डायरेक्शंस देनी पड़ेंगी। मे बी आपको हो सकता है कुछ रेगुलेशंस को अमेंड करना पड़े, कुछ जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उसको अमेंड करना पड़े, ताकि एंटिटीज आर्म फोर्सेस एंड द रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट इस्लामिक बैंकिंग ऑन प्रायोरिटी बेसिस। सॉरी, वी नीड टू हैव अ इस्लामिक फर्स्ट एज अ पॉलिसी। ये हमने एक पॉलिसी स्टेटमेंट देना पड़ेगा और ये पॉलिसी स्टेटमेंट अडॉप्ट करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू अचीव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, हमें ये भी जरूरी है कि हम एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाएं और हर लेवल पे इस्लामिक फाइनेंस और इस्लामिक इकोनॉमिक्स की अवेयरनेस देना शुरू करें। क्योंकि ये अभी एक मैं मीटिंग में था, वहां पर ये बात आई कि अगर हुकूमत ये चाहती है कि हम कन्वर्ट हों, तो हमें जो बहुत सारे सीनियर ऑफिशल्स हैं गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेसी में काम करते हैं, स्टेट ओन एंटिटीज में बैठे हुए हैं, वहां पे इस्लामिक फाइनेंस की नॉलेज कम है, और इसी तरह जो हमारी नई जनरेशन आ रही है तो वहां पे भी ये एक चैलेंज आता है। तो हमें इस्लामिक इकोनॉमिक्स, इस्लामिक फाइनेंस, इस्लामिक बैंकिंग के प्रिंसिपल्स को अपने कैरिकुलम में इंटीग्रेट करना है, और हमने कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स लेने हैं जिसमें सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जुडिशरी है, लीगल फ्रेटर्निटी है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जाए, सेपरेट इस्लामिक फाइनेंस या इस्लामिक बैंकिंग कोर्स स्टेब्लिश की जाए, ऐसे आपके कोर्सेज हों जो निबाफ के अंडर हों, या इसी तरह IBACF के अंडर हों, या किसी और इदारे के अंडर हों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी जो है नीपा, इसके अंडर हों, पब्लिक जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इस तरह के जो इदारे हैं, ये अपने करिकुलम में कैपेसिटी बिल्डिंग को हंगामी बुनियादों पर लाएं, ताकि लोगों को ये अवेयरनेस होगी तो फिर वो कन्वर्जन की तरफ खुद ब खुद उसका रोड मैप डिजाइन कर सकते हैं। जो डोमेस्टिक डेट है हमारा हुकूमत पाकिस्तान का, ये इस वक्त अगर आप देखें तो ये लॉन्ग टर्म होता है, PIB 3 से 20 साल के टेन्योर में, और मुख्तलिफ टेन्योर्स के अवेलेबल हैं, और हम इन्हीं टेन्योर में इजारा सुकूक या डिफरेंट शरिया कंप्लाइंट सुकूक इशू कर सकते हैं, और वो इन इन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको रिप्लेस कर सकती है। अब हमने पिछले 4 साल में देखा कि सक्सेसफुली इजारा सुकूक इशू हो रहे हैं, तो अब ये मॉडल हमारे पास मौजूद है। इसमें एसेट्स का चैलेंज जरूर आता है, लेकिन जब हुकूमत कोशिश करती है तो बहुत सारे एसेट्स उनको अवेलेबल हो जाते हैं, और अभी पिछले हम देख रहे हैं कि अब हर साल 1-2 ट्रिलियन के एसेट्स अवेलेबल हैं, और थोड़ा सा और कोशिश करेंगे तो उसमें वो भी गैप पूरा होगा, और फिर हमें इसमें इनोवेटिव स्ट्रक्चर्स पे भी काम करने की जरूरत है। इसी तरह जो टी बिल्स हैं, क्योंकि 1 साल या उससे शॉर्ट टर्म होता है, उसके लिए हम सलम, मुराबा, बैमोजल और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट पे अपने सुकूक डिजाइन कर सकते हैं, और ये काम नया नहीं है, क्योंकि मलेशिया ने ये किया हुआ है, बहरेन ने ये काम किया हुआ है, और हमारे यहाँ खुद बैब मौजल की ट्रांजेक्शन पाकिस्तान में हुई है। तो हुकूमत एसेट लाइट सुकूक या शॉर्ट टर्म सुकूक या टी बिल ऑल्टरनेटिव भी ला सकती है, और इसके ऊपर हमें दुनिया से भी सीखने की जरूरत है कि जो वहाँ पे काम हुआ है उसके पाकिस्तान में लाएं, पाकिस्तान
पाकिस्तान में जो रूल्स हैं सुकूक रूल्स, उसका एक ड्राफ्ट अभी बल्कि एडवांस स्टेज पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिस्कस हो रहा है, जो ये इनेबल करेगा कि पाकिस्तान इजारा के अलावा दूसरे इस्लामिक मोड्स पे भी सुकूक इशू कर सकता है, और वो शॉर्ट टर्म सुकूक भी होंगे और लॉन्ग टर्म सुकूक भी होंगे। इसी तरह अगर आपने इजारा पे या एसेट बेस्ड सुकूक इशू करने, तो हमारे पास बहुत सारे क्वालिफाइंग एसेट्स होते हैं, जैसे कि मोटरवे, एयरपोर्ट्स, हाईवे, रोड्स, पब्लिक पार्क, गवर्नमेंट बिल्डिंग, रेलवे ट्रैक, सी पोर्ट्स, डैम, गवर्नमेंट की जो ओन लैंड्स होती हैं, पावर प्रोजेक्ट्स, और इन पे ऑलरेडी पाकिस्तान में और दुनिया भर में भी सुकूक इशू हुए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। इस वक्त मैं एक डेटा देख रहा था कि दुनिया में तकरीबन 36 ममालिक ने सुकूक इशू किए हैं, और जो इंटरनेशनली सुकूक इशू हुए हैं उनकी, और यानी पूरी दुनिया में अब तक जो सुकूक इशू हुए हैं उनकी तादाद कोई 12,000 से भी ज्यादा है। तो 12,000 से ज्यादा सुकूक दुनिया में इशू हो चुके हैं, 36 मुल्कों को ये काम करना आता है, तो हम भी ये काम कर सकते हैं, और ये कोई अनरियलिस्टिक चीज नहीं है। बल्कि जो नए प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाना है, कोई नया डैम, कोई रोड, कोई मोटरवे, कोई आपने टेक्नोलॉजी पार्क, कोई सोलर पार्क, कोई ग्रीन इनिशिएटिव लेना है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, वाटर कोर्स को सही करना है, तो इन सारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए भी हम सुकूक कर सकते हैं, और बल्कि इस पे करने भी चाहिए, क्योंकि इससे फायदा क्या होगा कि इस्लामिक फाइनेंस के जो ये वाले बेनिफिट्स हैं कि वो डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है, वो भी आवाम को भी नजर आएगी और लोगों को भी नजर आएगी। CDNS का जैसे भी मैंने आपको बताया कि इसका भी एक रोड मैप बनाया जा सकता है कि उसकी जो इंटरेस्ट बेस्ड स्कीम है उनको हम फेज आउट करें, और जो मुशारका या वकाला या मुदारबा बेस्ड जो डिपॉजिट प्रोडक्ट्स हैं, अभी वकाला बेस्ड उन्होंने प्रोडक्ट ऑफर किया, मुदारबा और मुशारका बेस्ड फर्दर प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं, और कस्टमर्स को ये कन्फ्यूजन ना करें, बल्कि कस्टमर को ये एक सिंगल ऑप्शन दें कि अब जो नया इशुएंस होगी वो इस्लामिक साइट पे होगी। तो इस तरह से CDNS का भी एक बड़ा चंक हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एरिया जो था वो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी कहते हैं, इसको SOEs भी कहते हैं, स्टेट ओन एंटिटीज भी कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे इदारे आते हैं, कोई ख्याल में 250-300 के करीब इदारे हैं, जहाँ तक मुझे नंबर याद आ रहा है, जो हुकूमत के तहत होते हैं और हुकूमत की डायरेक्ट सुपरविजन में या हुकूमत की ओनरशिप में होते हैं। इस वक्त जो लेटेस्ट फिगर हमें स्टेट बैंक से मौसूल हुई थी, उसके हिसाब से तकरीबन 15% जो ये इनकी फाइनेंसिंग है वो ऑलरेडी इस्लामिक है, विच इज़ अ गुड न्यूज। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी इसमें से इदारे इस्लामिक फाइनेंस से कुछ ना कुछ हद तक अवेयर हैं। अगर कुछ जगहों पे हमने ये देखा कि कुछ पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं जो लॉस मेकिंग है या वहाँ पे मैनेजमेंट इशू है, ये फिर एक और मसला है, क्योंकि ये इस्लामिक फाइनेंस का मसला नहीं है, बल्कि ये एक और उनको यानी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। लेकिन अदर देन दैट, जो भी इदारा फाइनेंसिंग लेना चाहे, वो हुकूमत से ले रहा है या बैंकों से ले रहा है या हुकूमती बैंकों से ले रहा है, वो इस्लामिक तरीके से वो ले सकता है, और इसका हम एक प्लान बना सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जी आप अगले 5 साल में हर पब्लिक सेक्टर एंटिटी अपना प्रोग्राम दे। कुछ होंगी ऐसी एंटिटी जो अगले 12 महीने में कन्वर्ट हो सकती हैं, कुछ को 24 महीने लगेंगे और कुछ इसी तरह 36 महीनों में कन्वर्ट हो सकती हैं। लेकिन एक हम टारगेट दें कि आप अपना डिपॉजिट अब इस्लामिक में रखें और एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ फाइनेंसिंग आपने इस्लामिक में लेनी है, और कोशिश करनी है कि आप सारी नई फाइनेंसिंग जो है वो इस्लामिक स्पेस में ली जाए। इसमें मुख्तलिफ एंटिटीज हैं, जैसे कि वापडा है, PIA है, और इस तरह की, और जो इस तरह की लार्ज एंटिटीज हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, इधर हमारे पास एसेट्स भी होते हैं, ये सुकूक भी इशू कर सकती हैं, इन्होंने माजी में भी किए हैं। इसी तरह हम लॉन्ग टर्म मोड्स हैं, इजारा और डिमिनिशिंग मुशारका, इनको यूज कर सकते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट बन रहा है, कोई नई डेवलपमेंट हो रही है, कोई नई एक्सपेंशन हो रही है, उसके लिए आप प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के रिलेटेड इजारा और DM के मोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां आपने कोई एसेट इंपोर्ट करना है, ऐसे कमोडिटी ऑपरेशन है हुकूमत के, कभी गंदम इंपोर्ट हो रही है, कभी चावल इंपोर्ट होता है, या इस तरह के दालें हैं, ऑयल इंपोर्ट होता है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर, इसके ऊपर सलम, इस्तिस्ना और मुराबा की फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन की जा सकती हैं, और ऑलरेडी इसके एक्सपेरिमेंट हुए हैं। यानी हम पाकिस्तान में जो PSO टाइप एंटिटीज हैं, वो ऑलरेडी इस्तिस्ना और मुराबा से अवेयर हैं। हमारी जो एंटिटीज हैं लाइक TCP, पास्को, पंजाब फूड, ये इनको मुराबा भी पता है, इनको सलम भी पता है, इनको इस्तिस्ना की ट्रांजेक्शन भी कुछ हद तक पता है, और ये फर्दर भी एक्सप्लोर कर सकती हैं। इसी तरह आप स्टॉक मार्केट में जो इस्लामिक कैपिटल मार्केट है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, और आप शरिया कंप्लाइंट तरीके से जो कंपनीज आपकी शरिया कंप्लाइंट ऑपरेशंस हैं उनके स्टॉक मार्केट में उनको ला के
वहां से फंड लेके उनकी जो लाइबिलिटीज हैं उसको भी पूरा कर पे कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें एक कन्वर्जन डेडलाइन बनाने की जरूरत होगी। इसी तरह बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो हुकूमत के अंडर हैं और वो फाइनेंशियल सेक्टर से मुंसलिक हैं, तो इनका कन्वर्जन भी पॉसिबल है। ये रिपोर्ट थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की 2021 की, उसके हिसाब से 212 स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, इसमें से कोई 85 कमर्शियल इदारे हैं, कमर्शियल नेचर की हैं, 44 नॉन कमर्शियल हैं, 83 जो है वो सब्सिडरीज हैं कमर्शियल एसओईज की, और इनके जो कंबाइन असास वो कोई 19 अरब, यानी 19 खरब, 19 ट्रिलियन, 19,000 अरब रुपए के करीब है। और इसमें तकरीबन 34 फाइनेंशियल सेक्टर कंपनीज में, जिसमें बैंक्स भी आते हैं, DFIs भी आती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी आती हैं, NBFIs भी आते हैं। अब इनको भी अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि कमर्शियल बैंक्स कन्वर्ट हो सकते हैं, तो ये NBFIs तो और आसान है कन्वर्ट होना। इस वक्त 10 NBFIs और DFIs हैं हमारे पास, पाक ब्रुनाई, पाक चाइना, पाक ईरान और ये सारे। और इनमें अभी अच्छी न्यूज है कि पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी ने इस्लामिक अपना ऑपरेशंस का लाइसेंस लिया है, इस तरह HBFC है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके अल्टरनेटिव मौजूद हैं। अब इनको एक रोड मैप देना है, इनके बोर्ड की तरफ से डायरेक्शन आए और वो एक ग्रेजुअल 25% हर साल कन्वर्जन का रोड मैप दें या 30% कर, ताकि वो अगले 3 से 4 सालों में कन्वर्ट हो सके। इसी तरह जो हुकूमती बैंक हैं, नेशनल बैंक हैं, उसकी सब्सिडीज हैं, फर्स्ट वुमेन बैंक, SME बैंक, ZTBL, IDB, ये सारे कन्वर्ट हो सकते हैं। SME बैंक तो ऑलरेडी शायद मर्ज हो जाएगा, तो चलें एक इदारा कम हो गया, लेकिन ये कन्वर्जन जैसे फैसल बैंक कन्वर्ट हो सकता है तो नेशनल बैंक भी कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरह नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, पाकिस्तान रीइंश्योरेंस कंपनी, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, अब तकाफुल का मॉडल दुनिया में मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है, री तकाफुल का मौजूद हमारे पास मॉडल हमारे पास मौजूद है, तो हम इंश्योरेंस कंपनीज को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल इदारे हों, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हों हुकूमत पाकिस्तान के, या नॉन फाइनेंशियल कमर्शियल एंटिटीज हों, इन सब के अंदर अब एक कन्वर्जन का एक रोड मैप देना होगा। और ये चीज़ फिर हमें मॉनिटर करनी होगी और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल हमें चाहिए होगी ताकि हम इसको, इस कन्वर्जन को कर सकें। फिर एक सवाल बहुत दफा आता है कि पाकिस्तान, हमने अगर अंदरूनी कर्जा सही भी कर लिया, पाकिस्तान को इंटरनली कन्वर्ट भी कर लिया, तो हमारे बैरूनी कर्जों का क्या होगा। देखें पहली बात तो ये कि चले अगर हम एक मिनट बैरूनी कर्जों को छोड़ भी दें और हम पाकिस्तान को अपने अंदर ही सही कर लें, जो हमारी पहली जिम्मेदारी है, तो भी हम एक बहुत बड़ा कन्वर्जन अचीव कर लेंगे और पाकिस्तान का जो बैंकिंग सेक्टर है वो तकरीबन कन्वर्ट ही हो जाएगा। लेकिन एक्सटर्नल महाज पे भी कोई बुरी न्यूज नहीं है। एक्सटर्नल जो फ्रंट है, एक्सटर्नल जो डेट है, उसमें आप देख लेंगे पाकिस्तान, मैंने आपको बताया कि $4.6 बिलियन के इजारा सुकूक ऑलरेडी इशू कर चुका है। पाकिस्तान इंटरनेशनल सुकूक मार्केट में एक प्लेयर के तौर पे मौजूद है। हम इसी तरह जो हमारा NRP पोटेंशियल है, जैसे अभी रोशन डिजिटल अकाउंट की प्रोडक्ट लॉन्च की, इसी तरह हम रिटेल सुकूक लॉन्च कर सकते हैं। जो इदारे हैं वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये अब शरिया कंप्लाइंट फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस को एक्सेप्ट करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग को एक्सेप्ट करते हैं। वर्ल्ड बैंक का ग्लोबल इस्लामिक फाइनेंस सेंटर टर्की में ऑपरेट करता है। वर्ल्ड बैंक ने बल्कि एक वैक्सीन सुकूक भी इशू किया। IMF भी इस्लामिक फाइनेंस को मानता है और ये कहता है कि पाकिस्तान में ये सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर है और इसको फैसिलिटेट करने की जरूरत है। और IMF के अपने सेक्टर स्पेशलिस्ट ऑन इस्लामिक फाइनेंस मौजूद है। एशियन डेवलपमेंट बैंक तो खुद हमसे पीछे पाकिस्तान हुकूमत के से रिक्वेस्ट कर रहा है और वो अपनी रिपोर्ट्स में ये कह रहा है कि हम इस्लामिक फाइनेंस हम ऑफर भी करते हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हुकूमत हमसे इस्लामिक फाइनेंस के थ्रू सरमायाकार यानी फाइनेंसिंग ले। तो यहाँ वहां से तो रजामंदी है, थोड़ा यानी जो थोड़ी सी जो गैप है वो हमारी साइड से, वो पाकिस्तान साइड से। अगर पाकिस्तान की जो रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं, अगर वो एशियन डेवलपमेंट बैंक को ये ऑफिशियल लेटर लिखती हैं, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, हमारी इतला और मेरी मीटिंग्स भी हुई हैं, उसके हिसाब से ये रेडी हैं हमें शरिया कंप्लाइंट फाइनेंसिंग देने के लिए। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जद्दा एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का सपोर्टर भी है और पाकिस्तान को फंडिंग भी करता है, और ये सारी फंडिंग इनकी इस्लामिक बेसिस पे होती है, खासतौर पर इम्पोर्ट ऑफ ऑयल के लिए देते हैं। हमारे इनकी जो प्राइवेट सेक्टर है, इनका आर्म है, वो इन्वेस्टमेंट करता है आके बैंकों के अंदर और मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर। तो IDB भी मौजूद है इस्लामिक फाइनेंसिंग। इसके अलावा मुस्लिम कंट्रीज जैसे सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, इनकी भी जो डिपॉजिट हम पाकिस्तान लेता है या जो इनसे फाइनेंसिंग लेता है, ये भी बड़ी आसानी से इस्लामिक में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि ये मुल्क खुद इस्लामिक बैंकिंग में बहुत एडवांस है। तो अगर ये
अपने मुल्क में इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान में भी उन कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन कंट्रीज जैसे कि हमारे पास चाइना है, जापान, पेरिस क्लब है और इस तरह की कंट्रीज हैं, इनको हम सुकूक के ऊपर ला सकते हैं बिकॉज सुकूक इस वक्त एक ग्लोबल एक ऐसी इस्लामिक कैपिटल मार्केट टूल है जिसको ये जो बड़ी बड़ी ममालिक हैं ये इसको एक्सेप्ट करते हैं। बल्कि मेरे पास यहाँ तक हुआ था कि चाइना के तरफ से एक हमारा एक चाइना ने जब सीपैक इनिशिएट किया तो एक इदारा है सेंटर फॉर एडवांसमेंट ऑफ इस्लामिक फाइनेंस इन ओगोर रीजन, ये चाइना ने ये खास इदारा बनाया था कि जब वो पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्कों में जाके अपना वन बेल्ट वन रोड का प्रोजेक्ट शुरू करेगा तो क्योंकि ये मुसलमान मुल्क हैं तकरीबन इसमें से आउट ऑफ 60 तकरीबन 26 मुसलमान ममालिक हैं, तो उन ममालिक में वो इस्लामिक तरीके से वो फाइनेंसिंग करेगा और इस्लामिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करेगा। ये तो हमारे यहाँ से कोताही हुई कि हमने चाइना से ये डिमांड नहीं की, बट चाइना की साइड से जो हमारे इतलात हैं वो रेडी थे और फेडरल शरीयत कोर्ट ने तो इस इंस्टीट्यूट का नाम अपने जजमेंट में लिखा भी है। इसी तरह बहुत सारे इंटरनेशनल इस्लामिक बैंक्स हैं या इंटरनेशनल बैंक्स हैं जो पाकिस्तान को इस्लामिक मोड्स पे फाइनेंसिंग देने को तैयार है और ऐसा माजी में बहुत दफा हुआ भी है। सो ये कोई नामुमकिनात नहीं है, एक्सटर्नल डेट भी हमारा कन्वर्ट हो सकता है और इंटरनल डेट भी कन्वर्ट हो सकता है। जहां हम कोशिश करेंगे, जहां हम एफर्ट करेंगे, हम वहां पे इंशाल्लाह पॉजिटिव नतीजे हमारे सामने आएंगे। अब अगर हम उसी को थोड़ा सा सेक्टर वाइज देखें, कन्वर्जन स्ट्रेटजी है क्या होगी हमारी, अब जैसे मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो हमारे पास इस वक्त जैसे मैंने पहले भी शुरू में बताया कि प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी मौजूद है, लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क भी मौजूद है और इवन कन्वर्जन गाइडलाइंस भी मौजूद है कि कैसे किसी बैंक को कन्वर्ट किया जाएगा। और इस वक्त पाकिस्तान में अब तक मैं ये बताना चाहूंगा कि 5 बैंक्स कन्वर्ट हो चुके इस्लामिक, 3 बैंकों को मीजान बैंक ने परचेज करके कन्वर्ट किया, सोसाइटी जनरल, HSBC पाकिस्तान, HSBC ओमान ऑपरेशंस ऑफ पाकिस्तान, 3 बैंक तो मीजान ने कन्वर्ट किए, 1 बैंक को बैंक इस्लामी ने कन्वर्ट किया, KSB बैंक था, और 1 बैंक यानी फैसल बैंक ने अपने आप को कन्वर्ट किया। तो इस तरह 5 सक्सेस स्टोरीज तो पाकिस्तान में आज भी मौजूद है। इसी तरह जितने भी हमारे बड़े बैंक हैं जिसको हम डोमेस्टिक सेक्टर के बड़े जाइंट बैंक कहते हैं, इन सबके पास इस्लामिक विंडो मौजूद है, इनके बहुत अग्रेसिव इस्लामिक बैंकिंग ऑपरेशंस मौजूद है। तो किसी की 100 ब्रांच हैं, किसी की 200 ब्रांच हैं, किसी की उससे भी ज्यादा ब्रांचेस हैं। सो इनके पास प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं, इनके पास इस्लामिक बैंकिंग के सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर भी मौजूद है, इनको तजुर्बा भी है। अब क्या करना है, इन्होंने स्केल अप करना है। और बहुत अच्छी न्यूज कभी कभी हमारे पास मिलती है कि कई फला बैंक ने फैसला किया, समिट बैंक ने फैसला किया कि हम अपने इंटरेस्ट बेस्ड ऑपरेशंस को बंद कर देंगे। इतना और बैंकों के बारे में भी पॉजिटिव खबर आ रही है कि ये डिबेट अब हर बैंक में हो रही है और होपफुली अगर ये बैंक्स की मैनेजमेंट इसको दिल से अडॉप्ट करे और अपने कन्वर्जन प्लान लाए तो ये 5 साल से पहले भी इंशाल्लाह या 5 साल के अंदर ये भी कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि अब इनके पास तजुर्बा भी है, रेगुलेशन भी है और कन्वर्जन के हमारे पास सक्सेसफुल तजुर्बे भी मौजूद है जो बाजार में हमने देखे हैं। इसी तरह मेजर जो इस्लामिक बैंकिंग की प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान में चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, SME में हो, कमर्शियल में हो, ट्रेड फाइनेंस में हो, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग हो, ट्रेजरी हो, ये सब हमारे पास सॉल्यूशंस मौजूद हैं। शरिया कंप्लायंस गाइडलाइंस, शरिया कंट्रोल मैकेनिज्म, शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क, शरिया बोर्ड कैसे बनेंगे, उसमें मेंबर कौन होंगे, इंटरनल शरिया ऑडिट कैसे होगा, एक्सटर्नल शरिया ऑडिट कैसे होगा, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा, सॉफ्टवेयर कैसे होंगे, पूल मैनेजमेंट, ये सब चीजें मौजूद हैं। इस वक्त तकरीबन हमारे एस्टिमेट के हिसाब से 50 लाख लोग इस्लामिक बैंकिंग की सहूलियात से फायदा उठा रहे हैं। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक सर्वे था उसके हिसाब से, ये सर्वे थोड़ा पुराना हो गया लेकिन उस सर्वे के हिसाब से 75% लोगों ने तो अपनी इमीडिएट विलिंगनेस शो की थी कि हमें इस्लामिक बैंकिंग में हम शिफ्ट होते हैं, तो लोग भी तैयार हैं। ओवर 92% जो इन अनबैंक पॉपुलेशन है उस सर्वे के हिसाब से उन्होंने कहा था हम अगर अनबैंक हैं तो उसका बड़ी वजह यह कि हमें सूद पे बैंकिंग नहीं करनी। तो अगर आप लोगों की ये जो मेंटल जो उनकी ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश कि हमें सूद पे काम नहीं करना, हमें हलाल तरीके से काम करना है, हमें इस्लामिक तरीके से कोई अल्टरनेटिव दिया जाए, तो आप देखेंगे कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद इसमें कन्वर्जन की तरफ आएगी।
तो पब्लिक डिमांड है, हमें इसमें थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करनी है, थोड़ी सी प्रोडक्ट को मार्केट करना है और हमें कंफ्यूजन को दूर करना है। जब हम लोगों को कहते हैं ना कि ये इंटरेस्ट बेस्ड स्कीम है यूथ के लिए, ये इस्लामिक स्कीम है यूथ के लिए, तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। हमें चाहिए कि एक ही स्कीम को या एक ही स्ट्रेटजी के साथ हम फोकस करें। कुछ स्टेप स्टेट बैंक की तरफ से भी चाहिए हमें। स्टेट बैंक की एक बड़ी डिमांड थी कि इस्लामिक डिस्काउंट विंडो ऑफर की जाए, स्टेट बैंक ने पूरी कर दी है। इसी तरह इस्लामिक ओपन मार्केट ऑपरेशंस का एक पार्ट जिसमें स्टेट बैंक फंड इंजेक्ट करता है इस्लामिक बैंकों के अंदर मुदारबा की बेसिस पे, वो भी आ गया। अभी एक साइड रह गई है कि अगर इस्लामिक बैंकों के पास एक्सेस फंड हो तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है जो जरूरी है स्टेट बैंक के पास आए और वो लॉन्च हो, ताकि अगर इस्लामिक बैंक एक्सेस ऑफ फंड में आते हैं तो वो उसको स्टेट बैंक की तरफ शरिया कंप्लाइंट तरीके से इन्वेस्ट कर सके। हमें कार के इश्यूज फेस होते हैं इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर को, क्योंकि जो IFSB का जो स्टैंडर्ड नंबर 15 है वो ये कहता है कि इस्लामिक बैंकों का जो मुदारबा डिपॉजिट है वो लाइबिलिटी नहीं है बल्कि वो एक क्वाजी इक्विटी नेचर का है। और ICAP ने भी इसको कहा है, IOFI ने भी इसको यही कहा है, लेकिन अभी तक हमने इस कार को इस डिपॉजिट को एक इक्विटी या क्वाजी इक्विटी का स्टेटस नहीं दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे इस्लामिक बैंक्स डिपॉजिट होने के बावजूद फाइनेंसिंग नहीं कर पाते, क्योंकि कार की जो कन्वेंशनल बैंकिंग की लिमिटेशन है वो इस्लामिक बैंकों पे नाफिज की जाती है। इसी तरह एक जो हमें काम करना है वो हमें बेंचमार्क लाने की जरूरत है, क्योंकि वैसे तो काइबर या लाइबर का जो बेंचमार्क है वो एक न्यूमेरिकल नंबर है, उसको अगर हम इस्लामिक उतना ही हम प्रॉफिट कमाए इस्लामिक तरीके से तो इसमें कोई शर्म कबाहत नहीं है बल्कि वो जायज़ है, लेकिन बहुत सारे लोग इस वजह से कन्फ्यूज होते हैं। और ये स्कॉलर्स की भी ये अपनी ख्वाहिश रही है और कि हम इस्लामिक बैंकों का अपना बेंचमार्क लॉन्च करें। अब या तो हम काइबर को इस्लामिक बैंकों की तरफ कन्वर्ट करें ताकि वो आइबर या इस्लामिक बेंचमार्क बन जाए, और फिर कन्वेंशनल बैंक भी अगर उसको फॉलो करेगा तो वो कन्वेंशनल बैंक इस्लामिक तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम वो इस्लामिक बैंकिंग के बेंचमार्क को की वजह से जो प्राइस की जो सेटिंग मैकेनिज्म है इस्लामिक बैंकों के पास आ जाएगा। बहरहाल ये एक मार्केट फोर्सेस पर भी डिपेंड करता है। इसी तरह हमें इस्लामिक मॉनेटरी पॉलिसी और इस्लामिक फिस्कल पॉलिसी की क्या गाइडलाइन होंगी, ये स्टेट बैंक के अंदर काम करने की जरूरत है, इसमें इकोनॉमिस्ट को अपना रोल अदा करना होगा। इसी तरह हमें जो शरिया कंप्लाइंट गाइडलाइंस हैं पेमेंट सिस्टम की, FX की, फॉरेन करेंसी ट्रेड की, इसी तरह जो ट्रेड फाइनेंस के कुछ ऑपरेशन हैं अगर वहाँ पे कोई नॉन कंप्लाइंट एलिमेंट्स हैं उसको रिमूव करना होगा। लेकिन एक और मैं यहाँ बता चलूँ कि देखें इस्लाम तो खुद ही ट्रेड और तिजारत को प्रमोट करता है, तो इस्लाम इंटरनेशनल ट्रेड का सबसे बड़ा हामी है। इस्लाम सिर्फ स्पेकुलेटिव ट्रेड या जो एक आर्टिफिशियल ट्रेड होती है या जो शरिया नॉन कंप्लाइंट मैकेनिज्म से ट्रेड की जाती है उसको अपोज करता है। तो ट्रेड फाइनेंस के मॉडर्न रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम शरिया कंप्लाइंट तरीके से ट्रेड का एक पूरा जो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो ला सकते हैं। और आज भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जो इस्लामिक बैंक है वो पाकिस्तान का आई थिंक 1/4 एटलीस्ट 1/4 ट्रेड हैंडल कर रहे हैं। सो ये भी एक पॉजिटिव एक डेवलपमेंट है और ये आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर एक कट ओवर डेट देनी पड़ेगी स्टेट बैंक को, जिसके बाद स्टेट बैंक ये कहे कि भाई अब जो है इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम अब खत्म, अब इसके बाद किसी ने किया तो वो कानून की खिलाफ वर्जी होगी और उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई भी की जाए। हुकूमत ने क्या करना है जनाब, रेगुलर इश्यूएंस ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सुकू मुख्तलिफ टेन्योर्स के। एक ये भी सजेशन आई थी कि आप एक इंसेंटिव दें इस्लामिक बैंकों को कन्वर्ट, यानी बैंकों को अगर आप कन्वर्ट होते हैं अगर इस्लामिक की तरफ तो आपका जो टैक्स रेट है वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा। ये 3-4 साल का इंसेंटिव दिया जाए ताकि सारे बैंक्स कन्वर्जन की तरफ तेजी से आए। इसी तरह कॉर्पोरेट सेक्टर को ये कहा जाए कि अगर आपने इस्लामिक बैंकों से इस्लामिक फाइनेंसिंग से आपने फाइनेंसिंग ली है तो आपको एक इंसेंटिव दिया जाएगा, लेकिन अगर आपने इंटरेस्ट बेस्ड बैंकों से फाइनेंसिंग ली है तो ये आपका टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं होगा। और इसके अंदर भी आप ये कह सकते हैं कि हर साल हम 25% कम कर देंगे, और 4 साल बाद अगर कोई आदमी सूद पे कर्जा लेता है तो उसका 100% जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो उसमें से कुछ भी टैक्स डिडक्टेबल नहीं होगा। तो खुद ब खुद लोग इससे इस एक तो गलत काम भी है, दूसरा टैक्स के डिसइंसेंटिव की वजह से भी वो इससे निकलेंगे। आपको एक पाकिस्तान में पार्लियामेंट के लेवल पे एक इस्लामिक बैंकिंग का एक्ट लाना होगा ताकि जो लूज एंड्स हैं जुडिशियल सिस्टम में लीगल सिस्टम में वो कवर हो और एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क हो इस्लामिक बैंक्स को, इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, शरिया गवर्नेंस मैकेनिज्म को। और इसी तरह फाइनेंस रिकवरी एक्ट है, इसको हमें अपडेट करना होगा ताकि इस्लामिक बैंकिंग की जो मोड्स हैं उसकी जो गाइडलाइंस हैं
उसको कोर्ट के अंदर क्लैरिटी हासिल हो, इस्लामिक बैंकिंग कोर्स आपको बनानी पड़ेंगी, आपको पब्लिक बैंकिंग एक्ट जो बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस है 1962 या उसके बाद जो स्टेट बैंक का आया एक्ट उसको चेंज करना होगा, पब्लिक डेट एक्ट 1944 है इसको चेंज करना होगा। इसी तरह जो जो लॉज तकरीबन 35 लॉज हैं जो फेडरल शरीयत कोर्ट ने आइडेंटिफाई किए हैं, इसके अलावा भी कुछ लॉज हैं जिसके अंदर नॉन कंप्लायंट क्लॉजेज मौजूद हैं, उसको आपने सही करना है, आपने एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का दोबारा जायजा लेना है और उसको भी सही करना होगा। अगर मैं बैंकिंग से हट के तकाफुल की तरफ जाऊं, तकाफुल में भी इस वक्त गुड न्यूज ये है कि हमारे पास रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है तकाफुल कंपनीज के लिए, तकाफुल विंडोज के लिए रिवाइज रूल्स मौजूद हैं, अकाउंटिंग रेगुलेशंस मौजूद हैं। अब SECB को करना यह है कि कन्वर्जन गाइडलाइन इशू करनी है कि इंश्योरेंस से तकाफुल का सफर कैसे होगा, और तकाफुल सेक्टर के लिए उसको अपना एक रोल इन्हेंस करना होगा, या फिर हम एक नया रेगुलेटर भी ला सकते हैं जो तकाफुल सेक्टर को रेगुलेट करे, जैसे कि स्टेट बैंक बैंकिंग को एक्टिवली रेगुलेट करता है। तो SECB को या तो खुद एक्टिव होना पड़ेगा, या अगर हमें ये जेन्युइनली लगता है कि SECB का स्कोप इतना ज्यादा हो गया है तो हो सकता है कि ये एक आइडिया भी पॉसिबल है कि हम एक नया रेगुलेटर डेवलप कर सकते हैं। बहरहाल ये पॉलिसी डिसीजन है, दोनों सूरतों में जो भी आप डिसीजन लें लेकिन आप सपोर्ट करें जिस रेगुलेटर की भी जिम्मेदारी है। भी तकाफुल अरेंजमेंट को थोड़ा सा हमने और पुश करना होगा, पाकिस्तानी रीइंश्योरेंस कंपनी को भी तकाफुल की तरफ लाना होगा, अगेन एक कॉर्पोरेट टैक्स इंसेंटिव दिया जाए तकाफुल बिजनेस को और उनका थोड़ा सा टैक्स रिड्यूस किया जाए ताकि इंश्योरेंस से लोग कन्वर्ट हों तकाफुल की तरफ। इस वक्त मेरे ख्याल में 7 ऐसे इदारे हैं जो हुकूमत के पास ही हैं जो तकाफुल के अंदर काम कर रहे हैं, और जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर एंटिटीज हैं उनको ये कहा जाए कि आप अपने पोर्टफोलियो को तकाफुल की तरफ कन्वर्ट करें, और जो जो हुकूमत के डोमेन में तकाफुल इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको हम 3 साल का एक फ्रेमवर्क दें कि आपने हर साल 33% कन्वर्ट होकर करना है ताकि फेज आउट करना है अपने कन्वेंशनल इंश्योरेंस। उसी तरह प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज हैं इंश्योरेंस कंपनीज, इनको भी आप स्ट्रेटजी दें कि आप हर साल 25% कन्वर्ट हो ताकि नेक्स्ट 4 ईयर्स में टोटल कन्वर्जन हो जाए। जितनी हुकूमत की एंटिटीज हैं, स्टेट ओन एंटिटीज हैं, उन पर ये पाबंदी लगाई जाए कि आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते, आप सिर्फ तकाफुल लेंगे, ताकि ये जो बिजनेस है ये इसकी तरफ कन्वर्ट हो। इसी तरह अगर तकाफुल में कहीं मिस सेलिंग की गुंजाइश है बैंक वगैरह के अंदर तो उसको भी आप रोक सकते हैं ताकि लोगों का एतमाद आए और लोग इससे फायदा उठाएं। कैपिटल एडिक्वेसी की हम इंस्ट्रक्शन ला सकते हैं तकाफुल में, ताकि तकाफुल कंपनियां भी एडिक्वेटली कैपिटलाइज हों ताकि वो आगे आने वाले किसी शॉक को एब्जॉर्ब कर सकें। इसी तरह NBFI सेक्टर है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं, मुदारबाज आते हैं, रीट्स आते हैं और म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड। तो इसमें भी अच्छी न्यूज है कि अच्छा खासा एक पॉजिटिव शेयर है इस्लामिक फाइनेंस का, 29% तकरीबन NBFI सेक्टर जो है वो इस्लामिक है, मुदारबा सारे इस्लामिक हैं, रीट्स की अब तक स्कीम इस्लामिक थी, अभी अनफॉर्चुनेटली एक नया रीट आया जो कि कन्वेंशनल स्पेस में है लेकिन उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इस्लामिक म्यूचुअल फंड अगेन तकरीबन 40% मार्केट शेयर है, पेंशन फंड का 63% मार्केट शेयर है। तो ओवरऑल जहाँ पे भी एक हमारे पास रोड मैप मौजूद है, सारी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, अगर हुकूमत का पब्लिक डेट खत्म हो जाता है तो खुद ब खुद कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड जो मनी मार्केट हैं और जो फिक्स इनकम फंड हैं वो खुद ही खत्म हो जाएंगे, खुद ब खुद उनको इस्लामिक में कन्वर्ट होना होगा। इसी तरह NBFI सेक्टर से एक रोड मैप मांगा जाए, उनको एक गाइडलाइन दी जाए कि आप कैसे इसको पूरे को कन्वर्ट करते हैं। शरिया कंप्लाइंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर लीजिंग कंपनीज की बहरहाल जरूरत है, इसी तरह इन्वेस्टमेंट बैंक्स के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आए, नॉन बैंकिंग माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, प्राइवेट इक्विटी फंड। अच्छा, इसमें पॉजिटिव चीज ये है कि जो प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल है खुद ब खुद एक क्लोज टू मुशारका है। इसी तरह इनके जो डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियोज हैं, नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियोज हैं, इनको शरिया कंप्लाइंट कन्वर्ट करने का एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दिया जाए। फिर स्टेट SECP को भी ये कहा जाए कि आप एक कन्वर्जन प्लान और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाएं या एक कन्वर्जन रोड मैप लाएं जो नॉन बैंकिंग सेक्टर को कन्वर्ट करे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कैपिटल मार्केट का एक बड़ा प्लेयर है, इसको इसके अंदर इस्लामिक काउंटर बनाया जाए, शरिया कंप्लाइंट कंपनीज की जो रेगुलेशन है उसको इंस्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि जो इसमें जो गलत काम होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं, फॉरवर्ड्स होते हैं, डेरिवेटिव टाइप की कोई ट्रांजेक्शन अगर कर रहा है तो वो बंद हो। इसी तरह हमारे जो कमोडिटी एक्सचेंज है जैसे PMEX है,
इसको इस ये भी अनफॉर्चुनेटली एक फ्यूचर एंड फॉरवर्ड प्लेटफॉर्म की सूरत इख्तियार किया हुआ है। इसको हमें एक रियल ट्रेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाना होगा, शरिया कंप्लायंट करना होगा, ताकि ये सेक्टर भी यहाँ पे भी एक रियल और इस्लामिक ट्रेड ट्रांजेक्शन की जाए। दो इंडेक्स PSX में ऑलरेडी मौजूद है, KMI 30 इस्लामिक इंडेक्स है, ऑल शेयर मीजान ऑल शेयर इस्लामिक इंडेक्स है, इसमें ऑलरेडी 250-300 के करीब कंपनीज हैं। तो यानी अभी भी आपने स्टॉक मार्केट को दो हिस्सों में तोड़ा हुआ है कि कंपनी जो इस्लामिक है और जो शरिया कंप्लायंट क्राइटेरिया में आती है और जो नहीं आती। हमें अब ये चाहिए कि अब हम जब कन्वेंशन बैंकिंग से शिफ्ट कर रहे हैं और कन्वेंशन बैंकिंग का शेयर खत्म कर रहे हैं और इसी तरह गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट बेस्ड PIBs और T-bills को खत्म करना जाए, तो खुद ब खुद इन कंपनीज की तादाद में भी इजाफा होगा। वहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो बैंक्स हैं, जो इस वक्त जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं, जो नॉन कंप्लायंट एंटिटीज हैं, जब वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो कंप्लायंट एंटिटीज में चले जाएंगे। इसी तरह शरिया कंप्लायंट शेयर फाइनेंसिंग की रेगुलेशन मंजूर हो चुकी है, इसको मजीद नाफिज करने की जरूरत है। इस्लामिक काउंटर लाया जाए 2023 के एंड तक ये लाया जा सकता है, या 2020 लिखा हुआ इसको 2023 में ला सकते हैं, क्योंकि इसका फ्रेमवर्क भी मौजूद है। इसी तरह रेगुलेशन जो है PSX की है उनको रिव्यू किया जा सकता है। इसी तरह आप ये कर सकते हैं कि टोटल बैन लगा दें कि जो नॉन कंप्लायंट ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं, जैसे कि फ्यूचर्स हैं, फॉरवर्ड्स हैं, डे ट्रेडिंग्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं, इसको हम बंद करेंगे। आप कोई ऐसा टैक्स इंसेंटिव भी दे सकते हैं NBFIs को कि आप अगर इस्लामिक कन्वर्जन की तरफ जाते हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर अगर इस्लामिक कन्वर्ट होता है तो उसको कुछ परसेंटेज टैक्स बेनिफिट भी मिले, जिससे क्योंकि ये हुकूमत का अपनी डिजायर है, पाकिस्तान के फायदे की बात है, तो ये टैक्स इंसेंटिव देना कोई नेगेटिव चीज नहीं होगी। इसी तरह जितने भी पेंशन फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इनको आप टारगेट दे सकते हैं कि अगले 3 साल में आप फेज वाइज कन्वर्ट करें। पेंशन फंड भी है, जो PE फंड्स हैं, VC फंड्स हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, ये भी बड़े आराम से हम इनको 2-3 साल के अंदर कन्वर्जन का टारगेट दे सकते हैं। हमारी जो लीजिंग कंपनीज हैं, हम इनको बड़े आराम से इजारा के ऊपर ला सकते हैं। इजारा इस्लामिक लीजिंग का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, डिमिनिशिंग मुशारका कॉन्सेप्ट है, तो खामा खा कन्वेंशनल लीज या इंटरेस्ट बेस्ड लीज करने की जरूरत क्या है। और ये तो 6 महीने से 18 महीने के दौरान भी कन्वर्ट हो सकती है। इसी तरह हमारा जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया कि इस्लामिक बैंकिंग की प्रोडक्ट्स अब तो सब जगह मौजूद है, आप SME में जा सकते हैं, माइक्रो में जा सकते हैं, एग्री में जा सकते हैं, तो जो माइक्रो फाइनेंस एंटिटीज हैं उनको इस तरफ पुश किया जाए कि वो अपने अपनी अपनी इस्लामिक विंडोज को और स्ट्रेंथन करें। उसका जो फ्रेमवर्क है, लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क है, वो ऑलरेडी मौजूद है, अब सिर्फ उसको कन्वर्जन की जरूरत है। यहाँ पे जो बैंक्स हैं माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के, वो स्टेट बैंक के अंडर आते हैं। जो NBFIs जो नॉन बैंकिंग इदारे हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं, वो SECP के अंदर आते हैं। तो अगर ये दोनों इदारे मिलके इसको पुश करेंगे तो ये सेक्टर भी कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक आम आदमी तक पहुँच रहा है और एक आम आदमी को यकीनन सूद से ज्यादा तकलीफ होती है। तो सीधा जो हमारी फिनटेक कंपनीज आ रही हैं, अभी आपने देखा होगा कि नैनो लोन्स के नाम पे बहुत सारी गलत काम हुए, तो इनको भी रेगुलेट किया जाए और सारे फिनटेक्स को ये पाबंद किया जाए कि वो इस्लामिक तरीके से ही वो ऑफर करेंगे। हम शुरू में मुराबा इजारा के जो बेसिक मोड हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आगे जाके हम नए मोड पे आ सकते हैं। इस तरह जो हुकूमत के रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं उनकी एक स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है और वो भी कन्वर्जन की तरफ लाए जा सकते हैं। सजेशन ये कि जनाब एक लीगल फॉर्म के हवाले से सजेशन था कि कॉम्प्रिहेंसिव एक एक्ट लाया जाए जो पार्लियामेंट से मंजूर कराया जाए। अब मे बी जैसी नई हुकूमत आती है 2023 के अख्ताम पे या 24 के शुरू में, तो वो इसको मंजूर करे और उसका सारा जो होमवर्क है वो पहले से तैयार हो। लीगल फोर्स अभी बनाई जाए जो कि तमाम अमेंडमेंट्स को सजेस्ट करे। FBR और प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटीज को एक डायरेक्टिव दिया जाए कि वो टैक्स न्यूट्रलिटी को सामने रखें, तो वे अपने SROs इशू करें। जी तरह अगर कहीं पे प्रोविंशियल स्टैम्प ड्यूटीज के मसले हैं जो कि पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, UK ने सॉल्व कर दिए हैं, अगर UK इस्लामिक बैंकिंग के लिए अपने प्रोविंशियल और स्टैम्प ड्यूटी के एक्ट को सॉल्व कर सकता है तो पाकिस्तान भी कर सकता है। ये सारे काम है जो करने के हैं। और इसमें एक अच्छी न्यूज है कि स्टेट बैंक के अंदर एक हाई पावर्ड कमीशन बना है, उसके अंदर जो स्टीयरिंग कमेटी बनी है उसके अंदर कुछ 6 वर्किंग ग्रुप्स हैं और उसके अंदर 30 कोई वर्किंग कमेटीज हैं जो इस वक्त इस काम मुख्तलिफ चीज़ों पे काम कर रही हैं। तो अगर ये सारे काम हो जाते हैं और हमारी स्ट्रॉन्ग विल भी रहती है, हमारी हुकूमत की सपोर्ट रहती है, स्टेट बैंक की सपोर्ट रहती है और सारे पॉलिटिकल पार्टीज का भी एक प्रेशर रहता है, तो मैं समझता हूँ कि हम ये कन्वर्ट कर सकते हैं। आखिर में चंद इनेबलिंग स्टेप्स जो
और हमें करने को है कि हुकूमत को ये चाहिए कि वो अपनी तमाम मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, स्टेट ओन एंटिटीज सबसे कहे कि आपने इस्लामिक फर्स्ट की पॉलिसी अडॉप्ट करनी है। ये हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी है। अगर हम इसको करेंगे, कैपेसिटी को बिल्ड करेंगे, तो इंशाल्लाह हम ये पूरे निज़ाम को कन्वर्ट करने की जो हमारा ख्वाब है, जो हमारा मिशन है, जो हमारी एफर्ट्स हैं, हम उसको इंशाल्लाह अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज अ क्विक और मेबी अ डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ व्हाट इज कैन बी डन, व्हाट इज पॉसिबल एंड व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। काफी डिटेल प्रेजेंटेशन थी और एक ब्रॉड आउटलाइन आपने हमसे शेयर की, जिसमें एक रोड मैप नजर आ रहा है। जाहिर है इसमें जो इंडस्ट्री और रेगुलेटर और एकेडमिया का कंट्रीब्यूशन है, खासतौर पे गुज़िश्ता 20 साल में जो इसका फेस आपने बताया पोस्ट 2000, मीज़ान बैंक 2001 में कायम हुआ, उस वक्त स्टेट बैंक के रेगुलेशन आए, तो एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट भी क्रिएट हुआ। और अभी भी पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर जो एक एक्सेप्टेंस है इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक फाइनेंशियल सेक्टर की, वो अनप्रेसिडेंटेड है मेरा ख्याल है कि रिसेंट हिस्ट्री में इतनी डेवलपमेंट किसी और फील्ड में। जो हम जरा एक पॉलिसी एनालिस्ट के तौर पे चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो एक ऐसा सेक्टर जिसके अंदर इतना रिच कंट्रीब्यूशन एकेडमिया भी कर रहा है, सोसाइटी की तरफ से भी जो है वो इनपुट है, बॉटम अप अप्रोच के साथ जो है वो चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कई सवालात भी साथ साथ जन्म लेते हैं। इसमें ज़रा पॉजिटिव बातें भी हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस और कुछ पश्चात जो जहन में आते हैं वो आप अगर चाहें तो मैं एक एक करके इसके ऊपर बात कर लूं, या आप इकट्ठा जैसे जैसे आपको मुनासिब हो। तो पहली बात तो यही है कि जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट का जिक्र हुआ, लेकिन उसमें आपने अपनी स्लाइड्स के शुरू में बताया कि अभी तक पाकिस्तान में सिर्फ 20% कन्वर्जन हुई है, यानी ये सिर्फ भी हो तो ग्लास को आप आधा देखें या खाली देखें या आधा भरा हुआ देखें, लेकिन 2001 से अब तक जबकि इस्लामिक बैंकिंग पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में मौजूद है, इस्लामिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी बने हैं, तो क्या इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस सिर्फ 20% आबादी का ही मसला है अभी तक इस तमाम तर इनेबलिंग एनवायरमेंट के बावजूद, और उसमें खुद गवर्नमेंट को, सिविल सोसाइटी को, और जाहिर है यानी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है इसमें इस्लामिक फाइनेंशियल बैंकिंग का, उनका क्या किरदार होना चाहिए कि एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट को मजीद इनेबलिंग किया जाए और उसके लिए जो है वो आमादा किया जाए, उसके लिए जो अवेयरनेस और एडवोकेसी हर सतह पे जरूरी है उसके लिए आप पहले बताइएगा कि देखिए इसमें ये बात आपकी सही है कि 20 सालों में हमने 20-21% का सफ़र किया है, लेकिन ये 20-21% यकीनन एक नज़र से कम है और हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में तो 100% होना चाहिए हमें, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये इंडस्ट्री को इनेबलिंग एनवायरनमेंट एक दिन में नहीं मिला, बल्कि हर वक्त कॉन्स्टेंट चैलेंजेस का शिकार ये रही है। और कुछ चीज़ें तो अभी लेट एक साल पहले हमें, फॉर एग्जांपल, या 1.5 साल पहले हमें मिली हैं, तो ये चीज़ें, और उसमें जहाँ तक स्टेट बैंक की तरफ से सपोर्ट है तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादातर में मिलती रही है और ज़्यादातर वो पॉजिटिव सपोर्ट हमें रही है, लेकिन जो फेडरल हुकूमत की तरफ से इसको एज़ा कहते हैं ना प्रायरिटी लिया जाए, ये चीज़ हमें कभी ऊपर नज़र आई, कभी नीचे नज़र आई है। तो और अभी भी आप देखें कि इस वक्त जो कन्वर्जन हुआ है वो अवाम में बहुत ज़्यादा हुआ है, कंज्यूमर फाइनेंस की स्कीम जैसे हाउसिंग फाइनेंस तो 60% तक कन्वर्ट हो गई, म्यूचुअल फंड 40% कन्वर्ट हो गए, कार फाइनेंसिंग की स्कीम भी अब एक रीजनेबल शेयर इस्लामिक में आ चुका है, तो अवाम में तो इसकी जो पजीराई है वो ज़्यादा है। और ये एक आई थिंक अब स्केलेबिलिटी का एक चैलेंज है कि जहाँ जहाँ इस्लामिक बैंकिंग की ब्रांचें आती जाएंगी, जहाँ जहाँ लोग कन्वर्ट बैंक्स अपनी सूदी ब्रांचों को इस्लामिक में कन्वर्ट करेंगे, लोग खुद ब खुद इस तरफ आएंगे।
लेकिन जो एक बहुत बड़ा चंक जो इस वक्त इस्लामिक स्पेस या इस्लामिक फाइनेंस के बाहर है वो खुद हुकूमत की तरफ से है। यानी अगर आप पाकिस्तान का जो पब्लिक डेट देखें, अगर वो 90% 92% इस वक्त सूदी कर्जों पर मुश्तमिल है, तो ये तो अवाम का करने का काम नहीं है। अवाम का तो, अवाम की तो इसमें कोई राय भी नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। यानी राय वैसे तो होनी चाहिए कि सब डिमांड करें, लेकिन ये करने का काम हुकूमत का है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, हमारे मुतालिका वुजरा का और जो भी हमारे हुक्मरान है उनका है। इसी तरह HBFC है जो सूद पे कर्जा देती है घरों के लिए, ये तो 3 महीने के अंदर इसकी प्रोडक्ट तो बल्कि उनके पास मौजूद है, अगर इसको कन्वर्ट करें तो ये कुछ महीनों में ये कन्वर्ट हो सकती है। इसी तरह नेशनल सेविंग है, इस पर बहुत अरसे से हम इंतजार करते रहे कि इसका इस्लामिक अल्टरनेटिव आएगा, जो अब 2023 में जाके हमारे पास आया। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा जो रन रेट खराब हुआ है, मैं समझता हूँ अगर हुकूमत इस पर तवज्जो दे तो इस पर बहुत तेजी से ही हम ये कवर अप कर सकते हैं। और इसमें एक और चैलेंज जो जेन्युइन चैलेंज है कि अवेयरनेस का, इवन जो बहुत सारे हुकूमती मुलाजमीन हैं जो सेक्रेटरी लेवल पे काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ यू नो मिनिस्ट्रीज के अंदर हैं, स्टेट ओन एंटिटीज में काम कर रहे हैं, उनके उनको उनको भी दो चीज़ों में कन्फ्यूजन नजर आता था। अगर वो क्लियर हो जाता है तो ये भी, एक तो पॉलिसी डायरेक्शन क्या है, क्या ये नेशनल एजेंडा है, क्या इसको हुकूमत ने अडॉप्ट किया है, क्या इसको हुकूमत चाहती है, अगर ये क्लैरिटी मिल जाए और साथ साथ उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए तो ये वाला मसला भी हल हो जाएगा। यस, अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इस्लामिक बैंकों के पास मौजूद नहीं है, लेकिन जब वो नेशनल एजेंडा को पुश किया जाएगा तो अगर लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क नहीं है या पाक इस्लामिक बैंकिंग कोड्स नहीं है या इस्लामिक बैंकिंग का एक एक्ट नहीं है पाकिस्तान में जो बहुत सारे मुल्कों में मौजूद है, तो ये भी एक्सपीडाइट किया जा सकता है। और आप देखें जब कोई काम करना होता है हमें तो महीनों में क्या दिनों में लॉ पास हो सकते हैं, तो अगर ये काम भी हमारी नेशनल प्रायोरिटी में आ गया और इसकी एक नेशनल अवेयरनेस कंपेन शुरू हो गई तो ये जो जो सफर है जो भी 20 साल में 20% 21% 22% तक हुआ है, ये अगले 5 साल में तकरीबन 100% के करीब जा सकता है। जी शुक्रिया। इसमें जाहिर है जो पॉलिटिकल साइड है उसमें तो हुकूमतें आमतौर पर दुनिया भर में वही पॉलिसी अपनाती हैं और वही उनकी प्रायोरिटीज होती हैं जो उनके लिए अवामी पतिराई का सबब बन सके, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे हो, सूबाई लेवल पे हो या वफाकी सतह पर हो। तो जो एक अवामी राय आमा हमवार करने के लिए कोशिशें होनी चाहिए, बिहेवियरल चेंज उसको आप कह लें, कल्चर को डेवलप, चैलेंज है, एक मैसिव चैलेंज है। एक तो फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों को बतानी है, फिर लोगों को, क्योंकि लोग कहते हैं ना, लोगों को बड़े धोखे हुए हैं पाकिस्तान में जब मुख्तलिफ नामों से सूद की जो स्कीमें थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, फेडरल शरीयत कोर्ट ने मना किया, बैंकों ने नाम चेंज कर दिए, तो ये एक ये जो एक्सेस बैगेज है ये अभी तक दिमागों में मौजूद है। तो आज भी अगर कोई सही काम भी करे तो शक पहले गलत काम का होने लगता है लोगों में, बहुत सारे लोगों में उसमें बहरहाल। लेकिन ये इस सब के बावजूद ये सबका फर्ज है, इस्लामी बैंकों का एक बहुत बड़ा इसमें जिम्मेदारी भी है और उस पर कोशिश भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें और ये और बढ़े अगर हुकूमत को इसको एज अ नेशनल एजेंडा, नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा के तौर पर मान लेती है और हुकूमत भी इतना इसमें हिस्सा डालती है, इसमें उलमा कराम अपना हिस्सा डालेंगे तो ये एक नेशनल मुहिम के तौर पे। और देखें हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि हम पाकिस्तान में, हम हर वक्त ये कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मसला इकोनॉमिक्स इकोनॉमी है, तो हम दुनिया का बेहतरीन इकोनॉमिक प्लान ले आए
और उसको सूद के गलत निजाम से चलाने की कोशिश करें तो वो बाउंड टू फेल है, क्योंकि तो हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने या अल्लाह और का रास्ता ही खोलेंगे। वो इकोनॉमी में जहर तो बन सकता है, कैंसर तो खुदा ना खास्ता बन सकता है, वो इकोनॉमी का इलाज नहीं बन सकता। तो अगर इस बात पे यकीन आ जाए और नेशनल एजेंडा के तौर पे इसको लिया जाए और लोगों को खुद हुकूमत का फर्ज है कि वो गलत चॉइस ना दे उनको उनको अभी अगर आप एक स्कीम लाते हैं कि जी मैं नौजवानों की रोजगार स्कीम लाता हूँ, तो आप क्यों कहते हैं कि मैं सूद वाली भी लाता हूँ और हलाल भी लाता हूँ? आप कहते हैं मैं घरों की स्कीम लाता हूँ, फिर आप क्यों कहते हैं कि सूद पे भी घर मिल सकता है और हलाल तरीके से भी मिल सकता है? ये जो डायकोटमी कह लें या ये जो तजाद है ना, ये बहुत चीजों को खराब करता है। तो हमें बैंकों के लेवल पे, फिर एकेडेमिया के लेवल पे बहुत काम करना है। अगर मैं आईबीए के साथ वाबस्ता हूँ और हमारे पास 6,000-7,000 बच्चा पढ़ रहा है जो फाइनेंस का एक्सपर्ट या बिजनेस का एक्सपर्ट बन के निकलता है और दावा करता है, और उसको अगर इस्लामिक फाइनेंस की एबीसी भी नहीं आती, तो वो तो फिर एक हमारी कोताही है। और हर एकेडमिक इदारे को ये देखना है कि वो आदमी, मैं इस बात पे बड़ा पुरजोर इस पे इसरार करता हूँ कि आज अगर कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट ये कहता है मैं फाइनेंस का एक्सपर्ट हूँ और मुझे इस्लामिक फाइनेंस नहीं आती, तो वो आपसे वो गलत बात कर रहा है। वो फाइनेंस का एक्सपर्ट ही नहीं है, वो बेचारा अधूरा एक्सपर्ट है। हम उसको आप कह सकते हैं कि तुम अधूरे हो लेकिन तुम फाइनेंस के एक्सपर्ट नहीं हो। तो मैं सिर्फ उसकी डार्क साइड आती है यानी कन्वेंशनल साइड आती है, तुम्हें उसकी ब्राइट साइड तो आती नहीं, तुम्हें तो उसकी सही सही तरीका तो तुम्हें पता ही नहीं है। तो अगर ये मोटो भी हमारा हो, एकेडेमिया का भी अपना हिस्सा डाले, हुकूमत भी डाले, हम भी डालें, तो और आवाम भी इस बात को समझे कि पाकिस्तान की तबाही और इकोनॉमिक तबाही में या इकोनॉमिक मुश्किलात में सूद एक बहुत बड़ी वजह है, और इसके खात्मे से पहले हम अपनी तरक्की के वापस ट्रैक पे आना मुश्किल है, तो फिर शायद हम एक मिल के इसको एक कहते ना खत्म कर सकें और इसके हवाले से जो मुश्किलात हैं उसको ओवरकम कर सकें। एक और सवाल मेरे पास आया हुआ है हमारी कलीग की तरफ से, कि वो क्या पॉसिबल स्टेप्स हो सकते हैं, इकदाम हो सकते हैं कि जो मिसकंसेप्शंस हैं इस्लामिक फाइनेंस के बारे में, अगेन ये अवेयरनेस के मुताबिक सवाल है और अकेडमिया के अंदर भी ये मबाहिस जो है वो अभी तक सेटल नहीं हुए, स्पेशली जो क्रिटिक है कि जिसमें इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री को ये मुर्द इल्जाम ठहराया जाता है कि ये हीले और तल्फीज या तकय्युस से जो है वो प्रोडक्ट अपनी बनाते हैं। और ज़ाहिर आपका क्योंकि डायरेक्टली इससे ताल्लुक है, बराह रास्त आप इसको फेस करते हैं, और अक्सर जो मकासद शरिया की बहस है एकेडमिया के अंदर इंडस्ट्री के साथ जो उनके इख्तलाफात हैं उससे ज़ाहिर एक तो ये कि फायदा भी हो रहा है, एक हेगेलियन डायलेक्ट है, चीजें जो है वो इम्प्रूव भी होती हैं, लेकिन अगेन कुछ चीजें बार बार पलट के आती हैं, और वो मेरा ख्याल है कि अभी भी जो चीजें सेटल हो गई हैं वो टेक्स्ट बुक की सतह पर शायद मुंतकिल नहीं हुई है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहें? ये बात देखें, ये इस बिल्कुल आपने सही कहा कि एक गैप है जो, और कुछ वही बात है जो मिसकॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, वो 10-12 ही सवाल हैं जो मिसकॉन्सेप्ट हैं, वही घूम फिर के आते रहते हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि ये जो इसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दी जाए। एक मिसकॉन्सेप्ट तो यहाँ से शुरू होता है कि इस्लाम में तो बैंक का तसव्वुर ही पॉसिबल नहीं है। अब 120 ममालिक में फिर क्या हो रहा है, दुनिया में 1600 इदारे फिर क्या कर रहे हैं? तो ये सवाल तो बुनियाद से ही शुरू हो जाता है। और उसकी वजह यह है कि जी हमने जो अपनी बचपन में बैंक देखा वो तो सूदखोर होता था, वो तो गलत होता था। या हमारी बैंकिंग की डेफिनेशन जो है वो है कि एक इसम मनी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, ये इस्लाम कहाँ से आ गया इसमें? मनी लेंडिंग तो गलत है, तो हमारी डेफिनेशन ही कई दफ़ा गलत है, हमारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट बिगड़े हुए हैं, क्योंकि हमने उस निज़ाम को ऐसे देखा जब शुरू से हमारे सामने आया। यानी ये तो बहुत बेसिक बात है, लेकिन ये बात सही है कि देर आर मिसकॉन्सेप्ट भी हैं, और उसकी वजह ये है कि एक तो इंटरेक्शन और होनी चाहिए एकेडेमिया और इंडस्ट्री में, और एकेडेमिया को देखें, इंडस्ट्री को
को अगर आपने समझना है तो वो जो थ्योरेटिकल रिसर्च पेपर से बाहर आना पड़ेगा हमें और इंटरेक्ट करना पड़ेगा कि क्या हो क्या रहा है। और एक और चीज इम्पोर्टेंट है जो सिर्फ इंडस्ट्री की नजर में नहीं है, उलमा की नजर में भी है। एक है जो मकासिद शरिया का जो हम 6-7 बातें करते हैं वो अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इस्लामिक बैंकिंग के मकासिद शरिया नहीं है, वो इस्लाम के मकासिद शरिया है। और इस्लामिक बैंकिंग को उन अगर 6 मकासिद शरिया हैं तो लाजमी है कि वो सब पे काम ना करे। यानी मैं उल्टी बात कर रहा हूँ थोड़ी सी, कि ये लाजमी है कि वो सब पे काम ना करे, वो उन चीजों पे काम करे जो उसकी जिम्मेदारी है। आज मैं इस्लामिक बैंक कहूँ कि जी नस्ल का तहफ्फुज जरूरी है तो मेरे पास मैटरनिटी हॉस्पिटल होना चाहिए, ये मेरा काम नहीं, सही है ना? तो ये मुझे बनाने से रोकना चाहिए आपको कि भाई आप हॉस्पिटल नहीं बनाएं। हाँ, हॉस्पिटल के लिए चंदा दे दें या एक CSR से वो तो कर लें, लेकिन आप बैंक की ब्रांच को साथ में कहें जी बैंक की ब्रांच भी साथ में दवाई भी मिलेगी, ऐसा ना करें, ये ज्यादती होगी। इसी तरह जो इस्लामिक बैंक ने मकासद शरिया में किरदार अदा करना है वो इस्लामिक बैंक करेगा, जो माशरे ने किरदार अदा करना है वो माशरा करेगा, जो एकेडेमिया ने किरदार अदा करना है वो एकेडेमिया करेगा, जो एक मस्जिद और मदरसे ने किरदार अदा करना है वो मस्जिद और मदरसा करेगा। तो अगर दूसरे का किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे और अपना किरदार खराब करेंगे तो वो ये असल नहीं है। हाँ, जब हम ये सारे इदारे जमा होंगे इकोनॉमिक सिस्टम में, इस्लामिक निज़ाम में, तो फिर मिलके एक अपना काम करेंगे। तो एक तो ये थोड़ी सी एक डिफरेंट डायमेंशन है बहस ही, लेकिन दूसरा ये बात समझना है कि जो उलमा के नज़दीक और इस्लामिक बैंकरों के नज़दीक इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को सूद से और हराम से बचाना है। ये जो कैंसर है हराम का, इंटरेस्ट का, ये जो जहर हमारी नसों में जा रहा है, इसको रोकना है। वो आदमी ताकतवर होके जॉगिंग कर सकता है या बाद में भाग सकता है, ये सेकंड स्टेज आएगा। जब उससे वो इम्परमिसिबिलिटी हट जाएगी और वो परमिसिबल जोन में काम करेगा तो फिर इंशाल्लाह ये होगा कि कुछ इदारे उस परमिसिबल जोन से आगे बढ़ के रिकमेंडेड जोन में जाएंगे, कुछ मुस्तहब जोन में जाएंगे, कुछ एग्जेम्पलरी जोन में जाएंगे। लेकिन अगर किसी इस्लामिक बैंक ने या इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने एक उलमा की निगरानी में जायज तरीके से, देखें ये एकेडमिशियन नहीं बताएगा कि जायज या नाजायज क्या होता है, उसको खुद भी नहीं आता, ये आलिम बताएंगे, ये उलमाए दीन बताएंगे, क्योंकि हम दीन उलमाए दीन से लेते हैं। अगर कोई एकेडमिशियन फिका का आलिम भी है, उसने तफसीर भी पढ़ी हुई है, उसको अरबी की भी महारत हासिल है, उसको हदीस मुबारक का भी फन हासिल है, तो फिर वो बताएगा। जैसे बैंकर उलमा का मोहताज है, एकेडमिशियन भी उलमा का मोहताज है दीन की समझ के लिए। तो ये हमारे यहाँ मॉडर्न एजुकेशन में या मॉडर्न यूनिवर्सिटी के अंदर एक अलमिया ये है कि हमारे, उसमें शायद मैं भी कसूरवार हूँ, कि हम ये समझ पढ़ते हैं कि हमने अगर PhD कर लिया या हमने 4 रिसर्च पेपर लिख लिए तो हम उस सब्जेक्ट में दीन की इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। दीन का इल्म तो दीनी आलिम अच्छे उलमा, तो हम दोनों एकेडमिशियन भी और बैंकर भी उलमा के मोहताज हैं, और उनके बगैर हम अगर कोशिश करेंगे तो बैंकिंग में भी हम गिर जाएंगे और एकेडमिया में भी हम गिर जाएंगे। तो अब यहाँ पे यूनिफाइंग पॉइंट क्या हुआ कि अगर शरिया स्कॉलर्स, क्वालिफाइड शरिया स्कॉलर्स अगर एक सूद से बचने का जायज तरीका बताते हैं तो उसको अडॉप्ट किया जाता है। हाँ, उसमें इम्प्रूवमेंट की 10 दफा गुंजाइश होगी, वो खुद भी कह सकते हैं कि हाँ जी आज यहाँ तक करो, आगे इसके बाद और करना। तो लेकिन यहाँ पे हमें जो डिसीजन मेकिंग होगी राइट एंड रॉन्ग की, वो क्वालिफाइड उलमा की तरफ देनी पड़ेगी, ना मैं बैंकर उसका अहल होगा शायद, ना एकेडेमिक्स उसका अहल होगा जिसने सिर्फ थ्योरी पढ़ी होगी। हाँ, अगर बैंकर ने भी इल्मे दीन हासिल किया हुआ है और एकेडेमिया ने भी, वो 22 साल उसने इल्मे दीन हासिल किए हों या 20 साल जो भी उसने लगाए हों, तो फिर ऐसे लोग यकीनन होंगे जो दोनों साइड की बात कर सकते होंगे, और ऐसे लोग भी हमें चाहिए जो इस लेवल की नज़र रखते हों कि उनकी 20 से 25 साल जिंदगी दीन हासिल करने में बैठी गुजरी हो, फिर उन्होंने इल्मे दुनियावी उलूम भी हासिल किए हों, फाइनेंशियल सेक्टर के भी हासिल किए हों, ताकि वो एक कॉम्बिनेशन हो जो फिर हमें, तो इस तरह के लोग भी बहरहाल आएंगे इंशाल्लाह और आगे आएंगे भी।
लेकिन इसको थोड़ा सा हमें अपनी अपनी जगह रखना पड़ेगा कि लेकिन इसके इस सारी चीज़ के बावजूद जो गैप्स हैं वो बहरहाल हैं एकेडेमिया का या जो इवन पब्लिक परसेप्शन की गैप्स हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा नहीं है, हमने सब्जेक्ट को टाइम नहीं दिया। हम आज भी बहुत सारे लोग जब हम बात करते हैं तो कहते हैं मैंने फला आदमी से सुना था, मेरा ख्याल ये है। अब दीन में प्राइवेट ओपिनियन भी नहीं चलता और दीन में ख्याल भी नहीं चलता। दीन में तो आपको एक उसकी एक पूरी उसके एक मेथडोलॉजी से फॉलो करना पड़ता है। तो अगर हम इस बात पे मुत्तफिक हो जाएं तो बहुत सारे हमारे चीजों में हमें ना एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। और देखें बैंकर को तो खुद पता ही कुछ नहीं था, यानी हम जो बैंकर एक टिपिकल बैंकर था उसको दीन की क्या समझ थी। हमारे यहाँ अगर मैं आईबी और लम से पढ़ा हुआ हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मुझे तो दीन की एक बेसिक किताब के 5 पेज भी नहीं पढ़ाए गए होते। तो बैंकर ने तो उलमाए कराम से सीखा, हमने आयूफी से सीखा, हमने बड़े हजरात से सीखा ना। तो बैंकर की अपना तो फतवा की कोई हैसियत ही नहीं है, बल्कि बैंकर के अपने ओपिनियन की भी हैसियत नहीं है दीन के मामले में। उसकी राय हो सकती है लेकिन उसका सही गलत होने का फैसला स्कॉलर्स करते हैं। इसी बारे में एक और सवाल जो बार बार दोहराया जाता है कि व्हाई स्टिल काइबोर इज द बेंचमार्क। जी, मैंने इसको भी थोड़ा सा बताया था कि बेंचमार्क काइबोर हो या लाइबोर हो ये एक मैथमेटिकल नंबर है कि भाई अगर 22% काइबोर है तो इसका मतलब ये कि आज जो बैंकिंग सेक्टर है वो ये कोशिश करेगा कि 22% इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कमाया जाए, यानी कम से कम 22% के आसपास नफा कमाने की कोशिश की जाए। जो इस्लामिक बैंक होगा वो उसको जायज तरीके से तजारत के जरिए, किराएदारी के जरिए, पार्टनरशिप के जरिए कोशिश करेगा। जो सूदी बैंक होगा वो कहेगा मैं इस चक्कर में क्यों पढ़ूं भाई, पार्टनरशिप के रिस्क भी हैं, किराएदारी के रिस्क भी हैं, उसमें उलझने भी हैं, उसमें प्रोसेस भी बड़ा डिफरेंट होता है, मुझे तो इससे गर्ज ही नहीं है, मैं तो इकोनॉमी में रिस्क लेने आया ही नहीं हूँ इस तरह का, तो मैं तो सिंपल लोन दूंगा और 20-22% का सूद डिमांड करूंगा। तो इस हद तक फ्रॉम अ स्कॉलरली पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ शरिया पॉइंट ऑफ व्यू, एक मैथमेटिकल नंबर का इस्तेमाल करना, भले वो काइबर बेंचमार्क से ही निकला हो, इसकी इसमें कोई शरई कबाहत नहीं है, यानी इससे कोई शरिया ट्रांजेक्शन, अगर ट्रांजेक्शन सही किए तो नॉन कंप्लायंट नहीं होती। हाउएवर ये बात फिर मैंने खुद भी की कि उलमा की ये डिजायर जरूर है और हमारी भी डिजायर है कि हम इस्लामिक बेंचमार्क लाएं या कन्वेंशनल बेंचमार्क को खत्म करके अपना बेंचमार्क रिप्लेस कर दें उसको। वो कब होगा? वो जब होगा जब हमारा साइज आई थिंक क्रिटिकल मास 50% प्लस होगा, क्योंकि 20% अगर कोई कहे इंडस्ट्री ये कहे कि मेरी बात पे आपने फैसला करना है और इंडस्ट्री ने 20% को फॉलो करना है 80% ने भी, तो ये या तो हुकूमत पाकिस्तान को ऐसी इंस्ट्रक्शन दे दें कि अब काइबर इज अबंडेंट न्यू बेंचमार्क जो कि 6 इस्लामिक बैंकों और 17 इस्लामिक विंडोज ही डिसाइड करेंगी, वही होगा तो काइबर बन जाएगा, या वो भी काइबर का हम कहेंगे कि इस्लामिक काइबर बन गया। लेकिन ये एक नंबर है तो इस पे काम जरूर हो रहा है या होना भी है कि या तो हम इसमें से कन्वेंशनल बैंकों को निकाल दें इसकी सेटिंग, और जो 14-15 बैंक इसकी सेटिंग में इन्वॉल्व है उनको इस्लामिक में ले आए। लेकिन एक बात फिर भी याद रखनी होगी, अगर इस्लामिक बेंचमार्क आज आ जाता है, कल आ जाता है, तो अगर कोई उस इस्लामिक बेंचमार्क को देख को सामने रखते हुए सूद पे कर्जा देगा तो वो हरगिज जायज नहीं होगा। तो इस्लामिक बेंचमार्क का गलत इस्तेमाल भी होगा अगर कोई सूद पे काम करेगा, क्योंकि जायज नाजायज होने का क्राइटेरिया बेंचमार्क नहीं, जायज नाजायज होने का क्राइटेरिया वो जो ट्रांजेक्शन जिस तरीके से की गई है वो है। अच्छा, इसमें गुफ्तगू जारी रख सकते हैं मजीद, लेकिन वक्त कम है, आखिरी चंद सवालों से गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। इंटरेस्ट के हक में जो दलाइल है, सर आपके पास तो कंप्लीट पिक्चर भी होगी कि जो अपील में जाने वाले बैंक्स हैं अभी तो उनके एतराजात क्या हैं, और उसके ऊपर जा रहे वो फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला एक बार फिर जो हमारा कानून है, तो वो जब तक सुप्रीम कोर्ट का शरिया बेंच जो है वो अपना कोई फैसला नहीं देता तो उसके ऊपर मंजरामद भी नहीं हो सकेगा। लेकिन एक तो सवाल यही है कि आप जो बड़े एतराजात हैं वो क्या हैं और उसका जवाब आपकी नज़र में क्या हो सकता है,
जो सबसे बड़ी दलील दी जाती है वो ये है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी रेट के अलावा, जो हम जिस वेस्टर्न इकोनॉमिक्स को अकीदे के तौर पे हम फॉलो करते हैं, उसमें कोई और टूल नहीं है। और प्रैक्टिकली ये होता भी है कि पॉलिसी रेट बढ़ता है तो इकोनॉमी स्लो डाउन होती है और इन्फ्लेशन कम होती है, जैसा भी है पाकिस्तान की हद तक तो कम अज कम इस वक्त ये नहीं हो रहा। लेकिन इसको आपकी नजर में कैसे एड्रेस किया जा सकता है? देखिए, जो हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो मैंने जितना भी अभी जो जिन बैंकों ने सूद के खिलाफ अपील की है, अगर आप उनकी अपीलें देखें और जो मेरी नज़र से भी गुजरी है, उसमें कोई काम की बात नहीं है। उसमें जो मुझे समझ में आया और जो मैंने कुछ कहते ना वाकिफ हाल लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि कोशिश ये की गई कि टाइम को मजीद जाया किया जाए। जिन जवाबात के फेडरल सर्किट कोर्ट ने तफसीली जवाब दे दिए उनको फिर इशू, क्योंकि हमारे उनको लीगल जो प्रोसेस है उसमें उनको जो गैप्स हैं उसका शायद आइडिया है कि कैसे पेशियां लेते हैं, कैसे टाइम जाया करते हैं, कैसे चीज़ों को उलझाते हैं। तो वही सवालात, वही चीज़ें, वही जो 40 साल पुरानी थी वही तकरीबन वापस आ गई। तो 3 दफा के जजमेंट को ऐसा लगता है कि पढ़ने की डेलिबरेट कोशिश ही नहीं की गई है, क्योंकि वो पढ़ लेते तो जवाब मिल जाता, लेकिन फिर अगर वो पढ़ लेते तो फिर वो जवाब मिल जाता, तो फिर वो आगे क्या टाइम कैसे जाया किया जाता। तो ये बदकिस्मती से एक तो ये चीज नजर आई है इसके अंदर के वही बेतुके सवालात, वही आर्गुमेंट जिनके जवाबात बड़ी तफसील से मौजूद है वो दिए, वो लिखे गए। दूसरी बात ये कि देखें, ये बात आपने की कि ये तो एक हमारी बदकिस्मती ये भी है कि हम आंख बंद करके जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट थ्योरी है जो कि कहती है कि पॉलिसी रेट बढ़ा दो तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, जो कि आप और मैं पिछले अगर 2 साल से पाकिस्तान में इस बात के गवाह हों कि पॉलिसी रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम हुई है या पॉलिसी रेट बढ़ाने से लोगों ने अपने इन्फ्लेशन और अपनी कॉस्ट को और बढ़ा दिया है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी की नेचर उस तरह की नहीं है। सो ये बात भी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि जब हम कन्वर्जन की तरफ जाएंगे, तो जब हम आर्टिफिशियल एसेट्स को खत्म करेंगे, टी बिल के निज़ाम को खत्म करेंगे, इस तरह से जो रेकलेस बोरिंग की जाती है उसको खत्म करेंगे और रियल इकोनॉमी की तरफ फोकस करेंगे, और सारी जो बैंकिंग की ट्रांजेक्शन हैं वो इस बात पे होंगी कि आप एक रियल इकोनॉमी या रियल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करें, तो क्या होगा कि एक फोकस जो है ना वो एक आर्टिफिशियल या मॉनेटरी इकोनॉमी से शिफ्ट होकर रियल इकोनॉमी की तरफ आएगा। यस, इसके अंदर क्या फ्रेमवर्क्स होंगे ये डिवेलप करने होंगे हमें आज के दौर के हवाले से, लेकिन ये होंगे इंशाल्लाह। क्योंकि जब 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 आप पे ये जब आपके पास कहते हैं ना, हम एक चीजों कुछ रास्ते बंद कर देते हैं तो कुछ रास्ते खुद ब खुद भी खुल जाते हैं, और ये आई थिंक वो टाइम है, हम एक क्रिटिकल स्टेज पे हैं इस वक्त अगर हमारी ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और फिर हमें देखें उन दुनिया के ममालिक से भी सबक सीख सकते हैं। आज अगर सऊदी अरब 77% कन्वर्ट हो चुका है इस्लामिक में, ब्रुनाई 58% 56% 58% 60% कन्वर्ट हो चुका है, और इत्तला ये है कि वो 100% के ऐलान करने वाले हैं, तो कई चीजें तो हम दुनिया से भी सीखेंगे कि भाई अगर हम जिस फ्रेमवर्क से मौजूद थे हो सकता है उस फ्रेमवर्क में। लेकिन सवाल ये है कि कई चीजों को जैसे आपने कहा ना, कुछ को अकीदे के तौर पे ले दिया गया कि वेस्टर्न थ्योरियों की गलतियों को हमने अकीदा बना लिया, जैसे इंटरेस्ट को भी अकीदा बनाया हुआ कुछ लोगों ने कि इंटरेस्ट तो फैक्ट ऑफ लाइफ है, हालांकि ये कर्स फॉर लाइफ है, लेकिन इसको फैक्ट ऑफ लाइफ बना दिया। तो ये चीजें थोड़ी सी तब्दील करनी पड़ेंगी हमें, सोचों को भी नए जाविए से सोचना पड़ेगा, फिर जाके इंशाल्लाह इस तरफ हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। अच्छा, जारे जो हुकूमत की डाइकोटमी है वही हमारे माशरे की डाइकोटमी है, और सारे हुक्मरान रिफ्लेक्शन है जो कुछ हम हैं। इनेबलिंग एनवायरनमेंट के बावजूद, जैसे बात हुई कि अभी हम 20-21% का सफर तय कर चुके हैं, इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस बैंक का ना बनना भी उसकी मेरा ख्याल है एक मिसाल है कि जो रेगुलेशंस हैं, इनेबलिंग एनवायरनमेंट है, वो तो मौजूद है, लेकिन अभी तक माशरे की तरफ से या इंडस्ट्री की तरफ से कोई इनिशिएटिव ऐसा नजर नहीं आता, बावजूद इसके कि अखुवत का मॉडल हमारे सामने है सबसे। लेकिन एक 50 करोड़ रुपए का लाइसेंस इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस बैंक का आज तक कोई ले नहीं पाया, और उसकी कोई इकोनॉमिक्स नहीं बनी। रोड असल में मैप देखें, ये भी हमें ये भी सोचना शायद पड़ेगा, जी,
इसी तरह मैंने दो चीजें हैं, सॉरी आप पहले बात कर लें। सलाम का तजुर्बा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ और वो कोई बहुत उसकी पदीदाई नहीं मिल सकी, वो भी अभी तक एक बहुत ही कर्ज जो सूद का है और स्पेकुलेशन का है और होल्डिंग का है पाकिस्तान की जरा इकोनॉमी पहले जीडीपी में जो है वो उसकी अभी भी यानी सर्विसेज और इंडस्ट्री के मुकाबले में शायद कुछ ज्यादा ही है। हम बचपन में पढ़ते थे कि पाकिस्तान एक जरई मुल्क है, 50% आबादी अभी भी जरई डिस्ट्रिक्ट्स में रहती है, पहले 70% थी हमारे बचपन के मुताबिक पाकिस्तान में। लेकिन जो है वो जो निज़ाम है पूरा ग्रासरूट लेवल के ऊपर भी, ये फलों के लगने से पहले बागों के सौदे होते हैं जिसके बारे में सरी ममानियत है हदीस में भी, और सारे जितने सौदे हैं बीज की खरीदे जाए या खाद खरीदी जाए या पेस्टिसाइड वाला वो एडवांस उसके यानी पेमेंट पे वो यानी डेफर्ड पेमेंट के ऊपर जो है वो होती है और उसमें सूद भी इन्वॉल्व होता है, इसके बाद जो है वो होल्डिंग होती है कई पार्टीज। तो जो अवेयरनेस जो है वो लेवल पे भी होनी चाहिए माशरे में वो अभी तक हमें नजर नहीं आती, और उसकी वजह से वो मसला भी मेरा ख्याल है उतनी ही आबादी का है जिस जो अभी तक इस्लामाइज हो चुकी है बैंकिंग की हद तक बस कम। तो ये बदगुमानी कह लें उसको आप, लेकिन ये कि उसको बेहतर कर मेरा जी जी आप फरमाइए। इसमें एक ऑब्जर्वेशन मेरी ये है या एक इसमें एक व्यू मेरा ये है कि जो माइक्रो फाइनेंस इदारे तो खैर ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं अगर वो चाहें तो प्रोडक्ट लेवल पे कन्वर्जन तो पॉसिबल है उनका, वो होंगे भी इंशाल्लाह। लेकिन जैसे अखवत है या इस तरह के इदारे हैं, हमें हर चीज़ को बैंकिंग के अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न जो हमारे दिमागों में बैंकिंग का मॉडल डाला गया है या डिक्टेट किया गया है या कहते हैं ना इंग्रेव कर दिया गया है, वहाँ जब आप इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम के बहुत सारे इदारों को लाते हैं तो वो जब तक उस मॉडल की दीवारें तोड़ेंगे नहीं ना वो चल नहीं पाते। कमर्शियल बैंकों में हमने कुछ हद तक शायद तोड़ भी दिए दीवारें, लेकिन अभी भी अब हमें इस्लामिक बैंक्स जो है ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर काम करते, ये ट्रेडिंग हाउसेज हैं। हम जब तक ये इनेबल नहीं कर देंगे कि भाई अगर आपके वेयर हाउसेज हैं, आपके साइलोज हैं, आपके अपने कहते हैं ना अपनी आपने प्रोडक्शन लाइंस लगाई हुई हैं, तो शायद ये चीज टिपिकल बैंक के फ्रेमवर्क में नहीं होगी। माइक्रो फाइनेंस या जैसे अखुवत का एक सक्सेसफुल मॉडल है, क्यों ना उस तरह के मॉडल्स को माइक्रो फाइनेंस के लिए या पॉवर्टी एलिवेशन के लिए यूज करें और हर जगह एक कमर्शियल बैंकिंग मॉडल को ना लाएं। कई जगह में भी हमें मुदारबा से कुछ सबक सीखना पड़ेगा। आजकल फिनटेक का दौर है, फिनटेक ने दीवारें तोड़ दी हैं, बाउंड्रीज ब्लर कर दी हैं और इवन रेगुलेशन को चैलेंज कर दिया है। तो ये अच्छा टाइम है कि ऐसी इस्लामिक फिनटेक आए जो डिसरप्ट कर दें पूरे इस कहते ना फरसूदा सोच जो बैंकिंग के वेस्टर्न निजाम के हवाले से हमारे दिमाग में है। तो ये बहरहाल ये आउट ऑफ बॉक्स करनी पड़ेंगी चीजें ताकि लेकिन अगर हमने सलम करना है या हमने कोई और काम करना है तो जब तक मॉडल ऑन ग्राउंड नहीं मौजूद होगा हेड ऑफिस में या किसी एक रीजनल जोन में बैठ के उस तरह की चीज शायद ना हो पाए, लेकिन शायद टेक्नोलॉजी इनेबल मॉडल्स के थ्रू हम इस तरह के काम कर सकें। लेकिन हमें उसके लिए जो आप देखें ना अभी आप सही है कमर्शियल बैंक ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन आप जब आप माइक्रो फाइनेंस बैंक को कहते हैं कि वो 50 रेगुलेशन तुमने फॉलो करनी है, जो बेजिल की भी फॉलो करनी है, तो ये भी फॉलो करनी है, वो भी फॉलो करनी है, तो शायद हम अगेन ये दिस इज एन ओपन क्वेश्चन कि हम एक उसको गलत मॉडल की तरफ तो नहीं भेज रहे कहीं। मे बी हमें इसमें डिसरप्टिव थॉट प्रोसेस को भी लाना पड़ेगा और कुछ चीजें हम इस कन्फाइंड फ्रेमवर्क के तहत भी करेंगे। लेकिन ये बात के आज अगर कोई इंटरेस्ट बेस्ड माइक्रो फाइनेंस बैंक है तो वो इस्लामिक में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसको अपने आप को रीअलाइन करना होगा। लेकिन क्या उसके बाद भी कोई कहते हैं ना आगे भी सितारों से आगे जहां और भी है, बिल्कुल आगे जहां और भी है, आगे नए मॉडल्स भी आएंगे और नई डिसरप्शंस भी हमने करनी होंगी इंशाल्लाह।
इसमें एक तजवीज जो है वो किसी जमाने में आई और शायद डिस्कस भी हुई कुछ कॉन्फ्रेंसेस में कि जो इस्लामिक बैंक्स हैं वो इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस की भी विंडोज ओपन करें, खासतौर पर ज़रई इलाकों में। और ज़रा जिस तरह आपने फरमाया कि ट्रेडिंग हाउसेज के तौर पर काम करते हैं, तो जो ग्रास रूट लेवल पे स्पेशली ज़रई मीशत में ट्रेडिंग हो रही है उसको इस्लामी अंदाज में फैसिलिटेट करने के लिए तो जो एक इस्लामिक कमर्शियल बैंक होगा वो बाय देयर ओन डीएनए इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस एंटिटी। तो इसी तरह एक यूनिवर्सिटी से आप कहें कि आप प्राइमरी की क्लास भी पढ़ाएं, नहीं वो उसको पढ़ाने को तो पढ़ा सकता है, मतलब आप कहें जी आईबीए के अंदर नर्सरी की क्लास भी होनी चाहिए, और लेकिन शायद वो एफिशिएंट मॉडल नहीं होगा। तो हाँ, एक अलग एंटिटी बना के या एक अलग एंटिटी के तौर पे इस तरह के काम को इस्लामिक बैंक अपनी सब्सिडरी बना के या उनके शेयर होल्डर्स एक अलग एंटिटी बना के ये काम करें, ये ज्यादा डूएबल लगता है। और दूसरी चीज जो हमें अब तक तजुर्बा हुआ कि माइक्रो फाइनेंस एंटिटीज के साथ लिंकेज डेवलप करके उनको सर्टेन एक्सपर्टीज ट्रांसफर करके और एक होलसेल फंड ट्रांसफर करके या फॉर एग्जांपल होलसेल अरेंजमेंट करके उनका ग्रास रूट नेटवर्क इस्तेमाल किया जाए, तो शायद ये अलायंस ज्यादा, और अब जो मैंने आपसे बात की कि इसको फिनटेक की टेक्नोलॉजी या फिनटेक की जो इनोवेशन से इक्विप किया जाए, तो शायद ये मॉडल ज्यादा कारामद हो। और अब जो इस तजुर्बा अभी बिल्कुल जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि 5 नए डिजिटल बैंक्स आ रहे हैं, अब ये जो है ना ये नया मॉडल है, इनकी इनकी जो अप्रोच होगी, क्योंकि ये कमर्शियल बैंकिंग स्पेस में काम नहीं करेंगे, क्योंकि कमर्शियल बैंकिंग स्पेस में आपको शायद इतनी जगह भी ना मिले, इनको फिनटेक को इस्तेमाल करते हुए इन इन नए एरियाज को एक्सप्लोर करना होगा, माइक्रो सेविंग्स, माइक्रो तकाफुल, माइक्रो फाइनेंसिंग या स्मॉल फाइनेंसिंग, स्मॉल सेविंग एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स, जिसकी बेसिस पे वो मे बी हो सकता है कि हम अगर कमर्शियल बैंक के 20 साल में 20 लाख कस्टमर हों तो कोई अच्छा डिजिटल इस्लामिक बैंक, डिजिटल इस्लामिक बैंक हो, वो एक साल में टेक्नोलॉजी के थ्रू 20 लाख कस्टमर्स को ऑनबोर्ड कर सके, या तो ये होगा या ये होता हुआ लग रहा है अगर उस मॉडल को सही तरह से किया जाए, तो ये समझ लें। लेकिन ये भी हम कह सकते हैं कि ये उसकी ऑफशूट, वहां पे जो माइंडसेट होगा, जो जो डिजिटल इस्लामिक बैंक के जो आरएम का या प्रेसिडेंट का माइंडसेट होगा वो डिफरेंट होगा, या उसकी जो अप्रोच होगी वो डिफरेंट तरीके से होगी। नहीं बिल्कुल, आपने वजह फरमाया, और ये फिनटेक की वजह से जो डिसरप्शंस हुई हैं दुनिया भर में और ब्लॉकचेन इकोनॉमी के ऊपर जो काम हो रहा है, ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी जो है वो एक वक्त आएगा कि इस्लामिक बैंक्स भी इसमें लीड रोल प्ले कर रहे होंगे, और कम अज कम जो एसेट बैक्ड या कमोडिटी बैक्ड फाइनेंस है जिसको इनेबल किया है और कन्वेंशनल बैंकिंग से हट के, तो उसमें अब जो है वो बार्टर भी शामिल हो गया है और उसको डिजिटाइज्ड तरीके से बार्टर एक्सचेंजेस को इनेबल किया जा रहा है। तो इस पे मेरा ख्याल है कि मजीद गुफ्तगू हम जारी रखेंगे किसी और सेशन में कि फिनटेक और माइक्रो फाइनेंस और इस्लामिक बैंकिंग। लेकिन अगेन यानी एक सवाल बनता है, आपने अपनी उसमें इनेबलिंग एनवायरनमेंट की जो लिस्ट थी उसमें ज़कात एंड कुशर ऑर्डिनेंस का भी जिक्र किया कि कवानीन हमारे पास हैं, लेकिन उसमें भी जो अदम एतमाद है हुकूमत पे माशरे का, तो उसकी वजह से हम एफिडेविट जमा करा के, और सबसे पहले खुद मीज़ान बैंक से फ़ोन आता है कि रमज़ान आ रहा है ज़कात कट जाएगी, उससे पहले आपका जो है वो एफिडेविट जमा हो जाना चाहिए, तो लोग खुद ज़कात पहुंचाना जो है वो पसंद करते हैं। ज़्यादा पाकिस्तानी माशरा जो है वो देने में चाहे ज़कात हो, सदक़ात हो, खैरात हो, वो बहुत एफिशिएंट है बाकी कौमों के मुकाबले में दुनिया की, लेकिन ज़्यादा इसकी जिसका जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज करने के लिए और
सूद के खात्मे के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए, इस्लामी इक्तिसादी निज़ाम के क़याम के लिए जो बैंक रोल प्ले कर सकते हैं, तो क्या औजार मीज़ान बैंक की वेबसाइट के ऊपर भी ये ऑप्शन होता है कि आप बहुत सारे इदारों को डोनेट कर सकते हैं जो मीज़ान बैंक जिनको वेरीफाई करता है प्रोसेस के थ्रू, लेकिन जो ज़कात ना कटने का या ना काटने का एक फैसिलिटी हासिल है, वो अगर लोगों को ऑप्शन दिया जाए कि अगर वो एफिडेविट ना जमा कराएं और ज़कात जो है वो अपनी डिडक्ट करवा लें बैंक से, तो वो चाहे वो ऑप्शन दे दें कि हुकूमत को ना जाए, लेकिन इन इदारों के ज़रिए जो है वो माशरे में जनवन लोगों तक पहुंच सकती है, तो इस बारे में कोई अगर पेशरफ्त का इम्कान है तो आप बताइएगा, कि क्योंकि ये वज़ारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ग्रास रूट लेवल से ही सूद का खात्मा हो और ज़कात जो है उसका कॉम्पोनेंट ही। ये आपकी बात से जी, आपकी इस बात से जो अहम चीज आई थिंक हमने अभी डिस्कस नहीं की वो ये कि राइज ऑफ इस्लामिक सोशल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक सोशल फाइनेंस एंड देयर रिलेटेड इंस्टीट्यूशन, ये जब हम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की बात करेंगे, खाली बैंकिंग की नहीं, जब हम अपने कैनवस को बड़ा करेंगे, तो जो इस्लामिक सोशल फाइनेंस का एक जो डोमेन है वो बहुत अहम किरदार अदा करेगा और कर सकता है। अभी आपने ज़कात की मिसाल दी, खैरात की मिसाल दी और मिसालें दी। अब एक तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से लोग उस तरफ नहीं जाते, या वो अपनी ज़कात कहते हैं हम खुद अदा करेंगे बिकॉज हमें यकीन नहीं है और उसमें वहाँ पे करप्शन है, या वहाँ पे हमें डिस्क्लोजर ही नहीं है कि किसको जा रही है कहाँ नहीं जा रही। लेकिन ये जो इदारे हैं इनका जो पावर है, और मुसलमानों की हिस्ट्री में आप देख लें इस्लामिक सोशल फाइनेंस के इदारों ने कहते ना मिरेकल्स क्रिएट किए हैं आज भी, लेकिन आज हमारे यहाँ उनकी रेगुलेशन की भी कमी है। एक तो हमारे पास ओवर रेगुलेटेड तो है कि अकाउंट खुलवाने में हम बेचारों को नाक रगड़वा देते होंगे, लेकिन जो उनकी शरिया कंप्लाइंस होने की रेगुलेशन है वो अभी तक मिसिंग है। हमने जैसे आपने कहा कि बहुत इदारों को हम चेक करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे इदारे भी हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है जो ज़कात और खैरात को सूद पे इन्वेस्ट कर देते हैं जाके और गलत जगहों पे इन्वेस्ट कर देते हैं, और अवाम को वो मखल में धोखा देने के मुर्तकिब भी होते हैं। तो ये इसके बारे में हमें पॉजिटिव रेगुलेशंस और अवेयरनेस लाने की जरूरत होगी, क्योंकि पाकिस्तान में एज अ फिलेंथ्रोपी अगर आप देखें तो ये एक बहुत बड़ा लोगों के अंदर एक हम सारी कोताहियों के बावजूद एक दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट फिलेंथ्रोपिक नेशन के तौर पर माने जाते हैं। आपकी बल्कि मैं आप ही की आईपीएस की रिपोर्ट देख रहा था कि जो ज़कात का पोटेंशियल है वो तो 2 trillion रुपीज से ज्यादा का है। तो अगर 2-3 trillion रुपीज ज़कात सिर्फ आप उसको सही तरह डिस्ट्रीब्यूट करें तो हो सकता है कि हर साल 20-25 lakh लोग खुद मुख्तार हो जाएं और अपने पांवों पे खड़े हो जाएं। ये मैं एक बहुत कंजर्वेटिव नंबर बता रहा हूँ। और अगर वो 20-25 lakh लोग 5-5 lokhon को भी रोजगार देने लग गए, बिल्कुल, तो 1.5-2 crore तो नौकरियां और रोजगार और हलाल रोजगार आप सिर्फ ज़कात के सिस्टम को सीधा करके और लोगों को इसकी तरफ रागिब करके ला सकते हैं। और इसके अलावा फिर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अगर आपने ये सिस्टम कर लिया तो जो 80-90 lakh NRPs बैठे हैं वो बेचारे हमसे पूछ रहे होते हैं ज़कात किसको दें, क्योंकि अमरीका में और सऊदी अरब में और यूके में तो कोई उनको शायद मुस्तैक नजर नहीं आता, वहाँ 12 lakh सबकी इनकम लेवल नजर आती है, और उनकी दिली ख्वाहिश भी होती है कि भाई अपने मुल्क में दें। तो इस तरह का भी पोटेंशियल है। फिर ग्लोबल जो ज़कात के फंड अनयूटिलाइज हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, दैट कैन ऑल्सो बी चैनलाइज। तो ये और इससे खाली पाकिस्तान नहीं, अगर ये सक्सेसफुल तजुर्बा हम इस्लामिक सोशल फाइनेंस को कर पाए तो शायद दुनिया के लिए ये मॉडल बन सकता है। और उस पे इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री फैसिलिटेशन का किरदार जो है वो ज्यादा बेहतर, बिल्कुल उसका ये, क्योंकि ये आप बैंकिंग के बगैर तो आप हाथ मिलाए बगैर ये काम भी मुश्किल है ना करना, आइसोलेशन में तो शायद ना कर पाए। तो रोड मैप में इंशाल्लाह इसको भी हम शामिल करते हैं कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस्लामिक बैंक्स की, उसमें इस्लामिक सोशल फाइनेंस की तरवीज को भी जो है वो प्रायोरिटाइज किया जा सकता है। आखिरी सवाल, 6 बज गए हैं, असर का वक्त निकल रहा है, कि इस्लामिक
बैंकिंग एंड फाइनेंस एक्ट की आपने बात की कि दुनिया भर के कई ममालिक में है और पाकिस्तान में ना होने की वजह से एक गैप है रेगुलेटरी और लीगल या पॉलिसी गैप है, तो उसके क्या बुनियादी हदोहाल हो सकते हैं या होंगे होने चाहिए जो आप प्रपोज कर रहे हैं? इस पे अच्छी बात यह है कि एक डिटेल्ड काम हुआ है, एक हाई लेवल कमेटी बनी थी कुछ सालों पहले जिसमें तफाक से मुझे भी मौका मिला। हमने दुनिया के कई ममालिक में एक उनके लीगल फ्रेमवर्क और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को स्टडी करते हुए दो तरह की सजेशन सामने आई थी। एक सजेशन ये सामने आई थी कि एक फुल फ्लेज एक्ट लाया जाए, और फिर बीच में किसी की सजेशन ये आई थी कि पहले चैप्टर लाया जाए बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस में और फिर उसको ग्रेजुएट करके एक्ट बनाया जाए। लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का, फेडरल सर्किट कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, हुकूमत ने ये पॉलिसी डिसीजन का ऐलान किया है, गवर्नर स्टेट बैंक की तरफ से ये ऐलान आया है, तो शायद ये मौका हो कि वो जो होमवर्क हुआ है उसको सामने रखते हुए और फेडरल सर्किट कोर्ट के डिसीजन में वो जो 35 लॉज जिसमें खराबी आई है, एक ऐसा कोई लॉ बनाए जिसमें हम वो खराबियाँ भी एड्रेस हो जाए जो दूसरे लॉज में हैं, और इस्लामिक बैंकिंग के लिए एक हमें एक पूरा एक लीगल कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क मिल जाए जो इन एम्बिगुटियों को दूर कर दे जो आज मौजूद हैं। अब हम ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में पीएलएस डिपॉजिट, प्रॉफिट एंड लॉस डिपॉजिट। अब हालांकि जो इंटरेस्ट बेस्ड बैंक है वो पीएलएस तो नहीं है, वो तो सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड डिपॉजिट है, लेकिन उसका नाम पीएलएस रखने की वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये इस्लामिक में भी पीएलएस है और इंटरेस्ट वाला भी पीएलएस है, हालांकि वो कहने को पीएलएस है, जमीन आसमान का फर्क है दोनों के अंदर। इस तरह की बहुत सारी कंफ्यूजन हैं जो इस लॉ के आने की वजह से क्लियर होंगी। कम से कम जो जो चीज जो है उसको वो कहा जाए, अगर एक इंटरेस्ट बेस्ड डिपॉजिट है तो उसका नाम इंटरेस्ट बेस्ड डिपॉजिट ही होना चाहिए, एक इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग है उसका नाम इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग होना चाहिए, ना कि उसको मार्कअप कह के और एक इमेजिनरी सेल परचेज ट्रांजेक्शन को उसके अंदर अज्यूम करके उसको कंफ्यूज किया जाए। हमारा जो पाकिस्तान का लॉ है बैंकिंग का, मेरी किसी से बात आई थिंक डिस्कशन हो रही थी कि अगर इसको आप यूके में ले जाएं तो सारा कन्वेंशनल बैंकिंग लॉ उड़ जाएगा आपको, बहुत सारा, इसलिए कि वो कहेंगे ना आप मार्कअप ले रहे हैं, ना आप चीज बेच रहे हैं, ना पीएलएस है, आप या तो इसको इंटरेस्ट का नाम दें या फिर आप वाकई पीएलएस करें। और ये छोटी सी मिसाल है, तो सारे फंक्शंस को जो है वो लीगली डिफाइन करना बहुत जरूरी है। हमें भी जाहिर है ये जो रिसेंट जो फैसला आया है गुज़िश्ता साल 28 अप्रैल 2022 को, तो उसमें जिस तरह सूद को डिफाइन किया गया वो जाहिर इसलिए जरूरी था कि 99 के जजमेंट से बाद से अब तक जो है वो डेफिनेशन के ही चक्कर में हमें फंसा दिया गया था। हालांकि एओफी कि जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स हैं उसको डेवलप करने में पाकिस्तानी उलमा एक्सपर्ट्स का जो लीडिंग रोल है वो सबके सामने है, और दुनिया जो है उस डेफिनेशन से बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन हमें अभी तक जो है ना वो उसी दायरे के सफर में मुब्तला रखा गया है। तो ये बहुत अहम बात की आपने कि ये एक्ट जो है वो आना चाहिए और हर चीजों को सारे कामों को। इसमें एक और बस आखिरी बात ये मैं कर दूं कि अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की सेनेट ने और पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट इन फेडरल या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। ये वैसे तो ये कानून है कि जो प्राइवेट सूदखोर हैं उनको सजा दी जाए और उसको जुर्म करार दिया गया, लेकिन इस कानून में जो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि उसने इस कानून में इंटरेस्ट की बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन बता दी है जो कि पार्लियामेंट में से भी मंजूर है और सेनेट से भी मंजूर है। तो अगर आईन एक हिस्से में एक बुराई को डिफाइन करता है कि इंटरेस्ट, या एक चीज को डिफाइन करता है कि इंटरेस्ट इसको कहते हैं, तो एज अ अदना तालिब इल्म ऑफ लॉ मैं समझता हूँ कि ये बात इससे भी तय हो गई कि अब तो पार्लियामेंट ने भी इंटरेस्ट की वही डेफिनेशन एक्सेप्ट कर ली या वही डिफाइन कर लिया जिसमें एम्बिगुइटी की अब गुंजाइश नहीं रही। अच्छा अहमद भाई, उस आखिरी सवाल, ये तो आखिरी हो चुका सवाल हमारा, लेकिन एक नुक्ता जो है वो था जहन में भी, अगर उसका भी जवाब मिल जाए जाते जाते, कि जो पीआईबीज हैं सर्टिफिकेट्स जी, उसमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफर होता है
एक्चुअली, यानी इसमें हर टर्म के बाद जो है वो इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इसी तरह डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं वो भी लॉन्ग टर्म है। तो अरे ये सर्टिफिकेट्स जो है शरिया कंप्लाइंट हो सकते हैं, लेकिन जो इशू हो चुके हैं और जिस मुआहदे के तहत इशू हो चुके हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाएगा? देखें, कुछ चीजें होती हैं जो आप अगर दोनों पार्टीज रजामंद हों तो बड़े आराम से वो चेंज हो जाती हैं। जैसे कि जब हमने 3 banks कन्वर्ट किए या फैसल बैंक ने फैसल बैंक को कन्वर्ट किया, अपने आप को कन्वर्ट किया, तो बहुत सारे मुआहदे जो थे वो उनके पास जो थे वो इंटरेस्ट बेस्ड थे। लेकिन जब लोगों को एक शरिया कंप्लाइंट अच्छा ऑप्शन मिला, लोगों ने उसको चूज किया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे आपने रूल ऑफ लॉ को करना पड़ता है। अज्यूम करें मैंने आपसे एक खुदा ना खास्ता हमारे दरमियान इंटरेस्ट का मुआहदा हुआ था। आप इस्लामाबाद में रहते, मैं कराची में रहता, आपने मुझे से 1,00,000 रुपए इंटरेस्ट पे दिए हुए थे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा लेकिन एक अज्यूम कर लेते हैं। तो जब ये फेडरल टेरिटरी एक्ट आया तो उसने मेरे और आपके दरमियान के इस कॉन्ट्रैक्ट की इंटरेस्ट की क्लॉज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। तो बाय एक्ट ऑफ लॉ अब आप ना मुझसे मांग सकते हैं ना मैं आपको दे सकता हूं। तो जब एक पब्लिक इविल होता है ना, यानी पब्लिक में इविल एट लार्ज, कोई चीज खराबी की बहुत खतरनाक सूरत मौजूद हो, तो कभी कभी कानून को उस गलत काम को, उस कैंसर को रोक, एक्ट ऑफ लॉ भी तो है, कानून की हुक्मरानी भी तो है ना। कोई कह के जी मैं तो गलत काम पे बज़िद हूं तो फिर मैं समझता हूं कि कोई इसके हवाले से भी काम किया जा सकता है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि बहुत सारे लोग या एक तकरीबन बड़ी तादाद तो इससे खुद ब खुद तायब हो जाएगी जब उनको ये उसका मुतबादिल भी मिलेगा और शरिया कंप्लाइंट भी। जी, मेरा ख्याल है कि अब जो मजीद आगे करने के काम है उसमें एक वेबिनार या सेमिनार इस एक्ट के बारे में होना चाहिए, ताकि जो कुछ काम आप लोगों ने किया था उसके ऊपर एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए और उसको मजीद कोई अगर इम्प्रूवमेंट हो सकती है किसी क्रिटिसिज्म के नतीजे में तो उसको करके जो है वो पॉलिसी सर्कल में आगे बढ़ा जाए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने कीमती वक्त में से आपने ये हमें टाइम दिया, वक्त दिया और इतनी इम्पोर्टेंट गुफ्तगू हुई, और उसके लिए आपने इस प्रेजेंटेशन के लिए जो ज़ाहिर है आप कुछ ना कुछ और जगहों पर भी दे चुके हैं, आपने डेटा को भी अपडेट किया, अगस्त 2023 तक की फिगर्स जो है वो हमारे सामने आए। इंशाल्लाह यानी ये हमारा इस पर कमिटमेंट है कि इसको बहुत जल्द ट्रांसक्राइब करके एक पब्लिकेशन की शक्ल दी जाएगी और वो किसी किताब का हिस्सा अनकरीब इंशाल्लाह बनेगी। एक बुक IPS की पब्लिश हुई थी 1993 में ही एक कॉन्फ्रेंस के नतीजे में, इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, उसी तनाजुर में हम इसी तरह का एक और काम करना चाह रहे हैं जिसके लिए फाउंडेशनल वर्क जो है वो आपने आज फराहम कर दिया है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और इस सारी कोशिशों को सदका जारिया बनाए। बहुत शुक्रिया, दोबारा मुलाकात होगी। जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।